शिव की महिमा अनंत है। शिव नाम शिव कथा, कल हमने सुना कि चंचुला जैसी और बिंदगु जो ब्रह्म पिशाच बन गया था, शिव पुराण की कथा सुनने से उसका उद्धार हो गया, शिवलोक पहुंच गया। तो इस पुराण की बड़ी महिमा है। सूत जी से सोनक जी ने प्रश्न किया, ये शिव तत्व क्या है? सोनक ऋषि, एक सोनक ऋषि जो थे 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि थे। इनका एक ट्रस्ट था, एक संगठन था 88,000, जिनका धर्म प्रचार, जिन्हें पुराण ग्रंथ आदि हमको दिए, धर्म विषय चर्चा करते थे। दूसरी कोई चर्चा होती नहीं थी वहां, दूसरी कोई बात नहीं होती थी, केवल धर्म। और शास्त्र कहता है कि चर्चा करना हो तो धर्म की करो, अगर कोई सभा छोड़ के चले जाओ, या तो कह दो अगर हिम्मत भैया रेंदे रेंदे ये दुनियादारी वाली छोड़ दो, तो उल्टी सीधी निंदा चुगली बुराई ठीक है। अरे दूसरे की पाप को इन दूसरे की चर्चा करके दूसरे के पाप को हमारे ऊपर ले लिया, एक दृष्टांत है ना। एक बार एक राजा के यहाँ एक साधु आया भिक्षाम दही। राजा को बेचारे 50 लफड़े, अब घर गृहस्थी में तो लफड़े होते ही हैं, जिंदगी हमारे इसी में चली जाती है, दुनिया की बहुत उलझन रहती है ना। कोई उलझन में था, चीड़ आ गई, मांगने वाले भी सुबह सुबह चले आते हैं दरवाजे। एक घोड़ा बंधा हुआ था, कहीं जाना था, तो उसने लीद करी थी, तो लीद ले खा ले आ गया, सुबह सुबह काम धंधा करे नहीं। महात्मा ने स्वीकार कर लिया, दे दे। जगन्नाथपुरी में एक माधोदास नाम के महाराज हुए, बड़े विचित्र संत थे, रोज भजन करते जगन्नाथपुरी में, भिक्षा मधु गरीब, दरवाजे पे जाते भिक्षा नहीं, कोई रोटी देता एक दो, दो घर पे जाते रोटी लेते बस खा लेते, पानी के समुद्र में खारे समुद्र में धो लेते, स्वाद नष्ट फिर खाते। एक बुढ़िया एक मैया रहती थी वहां जाते थे, वो कहते यार हाथ फुर्सत में नहीं, अभी काम कर रही हूँ। वो रोज इनकार करें, वो रोज जाए दरवाजे। अब उसका काम इनकार, एक दो ने कहा भी से रोज इनकार करे, नहीं दे क्यों जाओ, दूसरे घर चले जाओ, पूरा गांव तो पड़ा है नहीं, मांगना ही है तो। पर संत भी बड़ा विचित्र था, रोज जाए रोज जाए। एक दिन वो पोता लगा रही थी, ये कहानी नहीं है, यथार्थ घटना है, वो बनी हुई बात है, और आज से ज्यादा नहीं, 250-300 साल पुरानी। और कहानी कहने की आदत भी थोड़ी कम है, और ये जगह कोई कहानी किस्से की है भी नहीं, कोई चुटकुला वाली बात नहीं है, यहाँ तो हमें उस कुछ ग्रहण कुछ लेना है, यहाँ हम कुछ लेने आए हैं। तो वो पोता लगा रही थी, पोछा लग रही, बाबा जी आया, तो वो लिप्पण पीढ़ी का पोता था, चल रहा था, दे मारा, मां स्वीकार है जो तुमने दिया, रोज गाली देती, कुछ तो दिया ना, चलो देती। किसी ने कहा क्या हो रहा है, बोले कुछ काम में आएगा, कपड़ा था सूती, घर गए बढ़िया अच्छा धोया, उसको चीरा और बत्ती बनाई और दीपक लगाया। बुढ़िया कम से कम दिया तो सही ना, देने की आदत धीरे धीरे पड़ेगी इसकी। इधर बुद्ध जन करने लगे दीपक की रोशनी में, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि दीप दान का बड़ा महत्व है, और अधिक मास में तो विशेष करके दीपक, 5 जगह दीपक, मंदिर में भगवान के सामने, तुलसी में, गौशाला गाय के पास में दीपक, पीपल वृक्ष के पास में दीपक का बड़ा महत्व है। तो यहां दीपक जला, वहां उसकी बुद्धि जल गई,
जो दुष्ट बुद्धि थी वो जल गई, प्रकाश हो गया कि कितनी दुष्ट हूं मैं, रोज इनकार करती, गाली देती, फिर भी महाराज ने कभी प्रतिकार नहीं किया। कितना महान। अरे मिट्टी से सना हुआ पोछा डाल दिया तो भी स्वीकार कर लिया, जो भी दिया वो भी, जाकर चरण में गिर गई और उद्धार हो गया। राजा ने लीद डाल दी, साधु चला गया, संत प्रतिकार नहीं करता। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, रास्ता भटक गया, प्यास लगी, झोपड़ी दिखाई दी, वहां पहुंचा। कथा बड़ी विस्तृत है। साधु ने बड़ा सम्मान किया, जलपान कराया, कंदमूल फल जो भी जंगली फल थे खिलाए। राजा पेशाब के लिए झोपड़ी से पीछे गया तो देखा तो लीद का ढेर, लाद का ढेर। राजा ने कहा यह घोड़ा नहीं है, गधा नहीं है, खच्चर नहीं, कुछ नहीं, लाद कहां से आई, ये लीद कहां से आई। तो साधु से पूछा, महाराज बोलो भैया ये बाबा जंजाल है, साधु का जाल है, तू समझ में नहीं आएगा, तू तेरा काम कर, पानी जलपान हो गया, भोजन हो गया, जा तेरे कर। नहीं महाराज बताना पड़ेगा, ज्यादा राजा ने जिद करी। तो साधु ने कहा कि याद कर, किसी दिन तेरे दरवाजे कोई मांगना आया था और तूने लाद दी थी। हाँ महाराज, दुनिया की झंझट में थोड़ा उलझा हुआ था, दिमाग उलट पुलट हो रहा था, झंझट थी, कुछ कलह चल रहा था और मैंने चीड़ में आकर एक बाबा जी को लीद डाल दी थी, घोड़े की लाद डाल दी थी, बस वो बाबा मैं हूँ, वो साधु मैं हूँ, तो मैंने तो पोस भर डाली थी। बोलो तुम जमीन पे एक बीज डालते हो तो जमीन हजार बीज देती है कि नहीं देती है, तो जो भी तुम दान करते हो हजार वो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। तो अभी तेरा दान जो तूने दिया था लाद का ये बढ़ता जा रहा है, जब तू जाएगा नहीं यहाँ छोड़ के तो यहाँ जो तुमने बैंक में जमा कराया वहां मिलेगा, तो फिर ये भोजन प्रसाद ही आपको प्रसाद मिलेगी, वहां आपका दान बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। जो भी आप दे रहे हो, अच्छा ही दोगे तो अच्छा ही बढ़ाएगी, बुरे ही दोगे तो जो भी तुम दे रहे हो वो वापस रिटर्न होने वाला है। तो उन्होंने कहा महाराज कोई उपाय है कि जिसे लाद नहीं खानी पड़े, लीद नहीं खानी पड़े। हाँ एक उपाय है, बोल क्या, कोई तेरी बुराई कर दे, तेरी निंदा करे, तेरी चुगली करे, जो चुगली करे ना तो वो तेरे पाप का भागीदारी, वो भी हिस्सेदार बन जाएगा। तो क्या करूं गुरुदेव बताओ। तो गुरु ने कहा इधर से जाए नहीं तू, तो तेरे गांव से बाहर एक साधु ब्राह्मण रहता है, उसकी कन्या जवान हो गई है, गरीब है, विवाह करना है, तो तू हाथ पकड़ के घोड़े पे बिठाना, बेटी बनाकर घर ले जाना, अच्छा कोई ब्राह्मण बालक मिले तो उसका विवाह कर देना, कन्या दान कर देना, तो इससे बस तेरा काम बन जाएगा। अब जैसे वो उधर से गया, वो कन्या खेल रही थी, उसने उठाया, घोड़े पे बिठाया, घर ले गया। लोग ने राम 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 राम, कितना राजा पापी है, कितना दुष्ट है, देखो इस ब्राह्मण की लड़की को उठा के ले गया। अगर राजा अन्याय करेगा तो फिर दुनिया का क्या होगा, राजा को तो दंड देना चाहिए, खुद दंडनीय अपराध कर रहा है, पाप कर रहा है, खोटे कर्म, सारा गांव में चर्चा फैल गई, सब बुराई करने लगे, जो राजा की प्रशंसा करते थे वो चुगली करने लगे, निंदा करने लगे। 8 दिन बाद राजा फिर वहां गया तो ढेर तो खत्म हो गया, पर एक पोज भरी और लीद पड़ी वहां। महाराज जी और कि सारे गांव वाले ने तेरी बुराई करी, पर एक लुहार है उसने तेरी बुराई नहीं करी, अगर वो बुराई कर देती ये हिस्सा उसके हिस्से में चला जाए, वो किसी की निंदा चुगली नहीं करे, अपना काम से काम है, अपना धंधे से धंधा है, किसी की बुराई करता नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज कैसे नहीं करे, मैं करवा दूंगा। राजा ने धोती होती पहनी, बिल्कुल वो वेश बदल लिया, सापा आपा फेरा, राजा का वेश छोड़ा और लुहार, अरे भैया राम 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 राम, और हाँ बढ़िया, वो अपना काम करता रहा। घटना है, राजा ने कहा कुछ सुना भैया, क्या सुना, दुनियादारी अब यहाँ तो रोज सुनते ही रहते, कोई क्या सुना है, कोई क्या सुना है? अरे हमारा राजा ने की करतूती सुनी, क्या क्या, हमारा राजा कितना बुरा आदमी है, तो क्या किया वो उस साधु ब्राह्मण की लड़की को उठा के ले गया,
तो ले गया होगा भैया, हमारा राजा है, वो तो राजा सबका बाप होता है, प्रजा का पिता समान होता है, तो क्या मालूम अपनी बेटी बना के ले गया हो और ब्राह्मण की गरीब पर तरस खा करके, और हो सके अच्छा लड़का भी लेने विवाह कर दे। अरे नहीं नहीं, अगर विवाह करना हो तो बोल कर जाता, जबरदस्ती उठा के लिया, वो तो पापी है, बड़ा खराब है। तो लुवारने का खराब है तो उसका कर्म वो भोगेगा, अपने को क्या मतलब, वो खोटा कर्म करे। अरे हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, आज उसके साथ हमारे साथ। लुहार ने घड़ते घड़ते रुका और धीरे से कहा, महाराज मैं पहचान गया हूँ, ये सारे गांव वाले आपकी लाद खा गए, मैं खाने वाला नहीं, तो आपको ही खानी है। मैं बेकार में किसी की चुगली क्यों करूं, किसी की निंदा क्यों करूं, किसी की बुराई क्यों करूं, दूसरे की बुराई अपने ऊपर क्यों लूं। अच्छा बुरा वो जाने। कथा कहती है सामने वाले का मन की भाव क्या है, जब तक हम उसको जाने नहीं उसके विषय में हमारी राय देने की, पर हम जबरदस्ती चाहे जहां अपनी राय ठोक देते, जहां जाए वहां, उसकी भावना क्या है, उसका विचार क्या है। व्यर्थ की चर्चा से बचो, सच्चर्चा करो। सोनक ऋषि सदा सच्चर्चा करते थे, अच्छी चर्चा करते थे, भगवत चर्चा करते, और उनकी चर्चा में से 18 पुराण निकल गए। सोनक जी ने पूछा, महाराज ये शिव तत्व क्या है, ये शिव क्या है, तो सूत जी ने कहा कि जो प्रश्न तुमने किया ऐसा ही प्रश्न एक समय देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया, और ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया, जो कथा सुनाई, वही कथा सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, महाराज नारद जी ने पूछा, बोलो हाँ। तो नारद जी को ये कथा सुनने की, और कैसे पूछा, और नारद जी तो बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा ना कोई ज्ञानी है ना कोई अज्ञानी है, ना कोई पंडित है ना कोई मूर्ख है, जब परमात्मा जिसको जब जैसा बना दे, ना कोई विद्वान है, बड़े बड़े विद्वान भी गिरते हुए देखे, और कालिदेश जैसा मूर्ख भी विद्वान बनते हुआ, जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था, और बड़े बड़े विद्वान भी नीचे गिर गए। या इंद्रियां बली बलवान है, कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। बड़ी नारद जी एक दिन घूमते हुए जा रहे थे, अब नारद जी तो सदा भ्रमण करते ही रहते, घूमते रहते, तो घूमते घूमते हिमालय की तलहटी में गए, और वहां जगह बड़ी सुंदर लगी, तो आसन लगाया और बैठ गए। अब ध्यान में ऐसे मस्त हुए कि हजारों साल बीत गए। इंद्र के मन में आया कि ये नारद तपस्या क्यों करे, कभी नहीं करे, तो सदा घूमने फिरने वाला आदमी, एक जगह रुके ज नहीं, दक्ष ने श्राप दिया, नहीं एक जगह जो बैठ गया और ये तपस्या कर रहा है, कोई ना कोई कारण, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा इंद्रासन ले लेगा, इंद्र को यही डर बिचारेगा, बड़े आदमी को यही डर के कहीं मेरा धन तो नहीं ले लेगा, मेरा राज तो नहीं ले लेगा, मेरी संपत्ति, उसको सदा धन तो नहीं खींचे मेरा ले, तो इंद्र को ये कहीं इतनी तपस्या कर रहा है, ये कहीं मेरा राज तो नहीं लेगा, तो उसने कहा इसकी तपस्या भंग कर। किसी को तपस्या करने में आनंद आता है तो किसी को तपस्या को बिगाड़ने में, किसी को सत्कर्म करने में आनंद आता है तो किसी को असत्कर्म करने में आनंद आता है, ये तो अपना अपना आनंद है भाई। किसी को पुण्य करने में आनंद आता है, किसी को पाप करने में आनंद आता है, कोई अच्छा कर्म काम करने में आनंद आता है, किसी को बुरा काम करने में, कितना भी समझाओ नहीं समझ में आएगा, और कहेगा है बड़ा अकलमंद आ गए समझाने, हमें ज्ञान नहीं है क्या, अपना ज्ञान अपना पास रखो, 10 बात आपको सुनाएगा वो। तो इंद्र ने कहा चलो इसकी तपस्या बिगाड़ू, तो कामदेव को याद किया, कामदेव आया, जाओ नारद जी की तपस्या को भंग करना है। ने कहा महाराज क्या बातें करते हो, बोलो हाँ वो साधु है, सारे साधु ही, कोई भरोसा नहीं है इन साधुओं का, जाओ और उनकी तपस्या, उनकी समाधि को बिगाड़ो। कामदेव गया, अप्सराओं को लेकर के वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, बड़ा सुंदर वातावरण कर दिया, कोयल बोलने लगी, पपिया बोलने लगा, सुंदर वायु बहने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, आहा बड़ा सुंदर। रामायण में तो कामदेव का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा है कि मरे हुए मुर्दे के मन में काम जागृत हो जाता है, ऐसा सुंदर वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, फूल खिलने लगे, फल लगने लगे, बड़ा सुंदर वातावरण मनमोहक बन गया, पर भगवान नारद जी विचलित नहीं हुए, कामदेव हार गया,
आखिर में कहा ये बाबा तो बड़ा, ये इसकी तो समाधि नहीं जाएगी, करूं तो क्या करूं। तो कामदेव ने फिर आखिरी अस्त्र छोड़ा कि अपने काम वास इस सुंदरी को जब नहीं देखा तो उनने दूसरा अस्त्र चलाया। कामदेव चरण में गिर पड़ा, धन्य हो महाराज आपकी, जय हो जय हो जय हो जय हो। आ अरे भगवान शंकर जी की समाधि मैंने जगा दी, विश्वामित्र की समाधि तोड़ दी, बड़े बड़े भजनानंदियों का भजन बिगाड़ दिया, पर आपका भजन नहीं बिगाड़ पाया, आपकी जय हो। आप तो शंकर जी तो महादेव है, पर आप तो उनसे भी बड़े हो, उनको भी समाधि तोड़नी पड़ी, तीसरा नेत्र खोलना पड़ा, पर आप का क्रोध भी नहीं आया, न कुछ आवेश आया, न भजन में कुछ विघ्न हुआ, आप जैसा संत कोई भी नहीं है। प्रशंसा करने लगा, पूरी प्रशंसा ऐसी बीमारी है, ये शकर की बीमारी है साहब, एक बार लग जाए तो फिर खत्म ही नहीं। ये शुकर की जो बीमारी है ना शकर, तो एक बार हो जाए फिर पिंड नहीं छोड़े, रोज गोली खाओ, पर दबेज नहीं और आगे बढ़े। तो प्रशंसा, और बड़े बड़े साधु संत घरवार छोड़ दे, पत्नी छोड़ दे, छोरा छोरी छोड़ दे, माल खजाना छोड़ दे, बाबा जी यहां तक के कपड़े भी छोड़ दे, उससे तो देखो बाबा को कपड़े भी दिगंबर रहते, कपड़े भी छोड़ दे, पर प्रशंसा की बीमारी वो भी नहीं छोड़े, वो भी जाएगी, लोग हमारे पैर पड़े, लोग हमारे हाथ जोड़े, हमारे आगे पीछे। मान संत की प्रशंसा है ही खतरनाक, एक बार लग जाए सब छूट जाए, पर प्रशंसा की बीमारी नहीं छूटे। अगर ये प्रशंसा की बीमारी छूट जाए नहीं, बस आदमी हर आदमी यही चाहता है मेरी प्रशंसा हो, मेरी बड़ाई हो, मेरी जय जयकार हो, लोग मेरी पूजा करें। ये जो जो प्रशंसा के एक भाव है, अभिमान देता है, बड़ा अच्छा लगता है। कथा कहती है तो दुर्जन सत्संग करो, अच्छी चर्चा करो, परमात्मा की चर्चा करो, भगवान की चर्चा करो। ये प्रशंसा बुराई निंदा चुगली से बचो। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग हो गया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी हो गया भजन।
की तरंग मार बस हो गया भजन। नारद जी फूलने लगे, प्रशंसा हो रही है साहब, जय जयकार हो रही है, हमारा जैसा कौन है। सीधे पहुंचे ब्रह्मलोक में, कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। नारद जी, शंकर जी ने कहा, अरे बहुत दिन में आए हो, क्या बात है, कहां रुके थे, मालूम नहीं है तुमको, टीवी भी देखी के नहीं, समाचार में आया कि नहीं, सारी दुनिया में चर्चा हो रहा है भैया, कि शंकर जी भी मोहिनी के पीछे भाग गए, काम वशीभूत हो गए, पर नारद तो नारद ठहरा। भगवान जी, कामदेव फेर में पड़ गया, सारा दल बल के साथ में आया, अप्सराओं को लेकर आया, सारी कोशिश करी पर मन को नहीं डिगा पाया, आखिर में हार के चला गया। हाँ, अरे वाह नारद जी, अरे आपकी तो क्या बात है, थोड़ा पानी भोलेनाथ ने भी और छिड़क दिया, पौधा जल्दी पनपे, इसी बात है। हाँ, अरे आपकी तो क्या, आपको काम ने वसूबित कर दिया, आपको तो जलाना पड़ा, पर हमें तो पैर पड़ गया। अच्छा अच्छा, हाँ पैर पड़ गया, निकट ठीक है यार, आप तो महान संत हो, आपकी बात क्या है, भोले तो भोलेनाथ है, उनकी क्या बात है। निका, मेरे सामने तो कह दिया, पर कभी वैकुंठ में जाओ तो नारायण के सामने, क्योंकि तुम अपनी डिंग आंकोगे, अभिमान करोगे, और अभिमान भगवान का आहार है, नष्ट कर, ये यही रहने दो, अभी पौधा है, अंकुर उग रहा है, इसको आगे मत बढ़ने देना, अभिमान ठीक नहीं है। नारद जी ने कहा, इनको जलन हो रही है, एक लाइन में दो स्पर्धी हो ना तो दुर्गा ये मेरे से आगे निकला, क्योंकि इनने भी कामदेव से युद्ध किया, हमने भी किया, इनको जलाना पड़ा, हारना पड़ा, मोहिनी के पीछे भागना पड़ा और हमारे पैर पड़ा, तो इनको जलन हो रही, किसी से मत कहना, नहीं तो अपनी नीची न गिराएगा। नारद जी ने उसका अर्थ उल्टा लिया, विचार करना था, उन्होंने जो विचार किया, शंकर जी ने समझाया, नहीं माना, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बहुत दिन हो गए, वहां तपस्या करने लग गया था, वो कामदेव गया था, पिताजी सब आपका आशीर्वाद है, हार के चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात करते हैं, हाँ आप तो संध्या के पीछे भाग गए थे, सरस्वती के पीछे भागे थे, पर तुम्हारा बेटा तुमसे भी बढ़ गया, बेटा में इतनी अकड़ के बाप से भी बढ़ा, रहे बाप बाप है भाई, तुम तेरे को पैदा किया उसने, उसने जगत बनाया, उसकी लीला वो जाने, पर कभी कभी बेटा इतना अहंकारी हो जाता है ना, हाँ थोड़ी सी सफलता क्या, अरे अरे इस सफलता के पीछे राज किसका है, हाथ किसका है, देख प्यारे, बेटा कभी कभी ये जानता है कि मैं बाप से बड़ा हो गया, उनसे ज्यादा अकलमंद, उनसे अरे बैठा रहो बैठा रहो, तुम में अकल नहीं हो। ब्रह्मा जी से कहते, आप तो सरस्वती के पीछे काम पर अपना काम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कभी कभी बेटा बाप को आंख दिखाए, हम आपसे भी आगे। अरे भाई बाप बाप है, जिसने तेरी रचना करी है, आज बेटा बाप है, रहने दो बैठे रहो, अकल नहीं है, अरे अकलवन, खुद मूतता और हाथ से लिपता, ये अकल थी तेरी, विष्टा करना और खाने दौड़ता था, ये अकल थे तेरी,
चलना याद नहीं था, घसीटता था कीड़ा जैसा, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। अपना खून का दूध बना करके पिलाया है तुझे, जिसने बोलना सिखाया है तुझे, पढ़ना लिखा आज इस काबिल बनाया, इस माँ बाप से कहता है आप में अकल नहीं है। नारद जी ने कहा, यही नारद जी में बस जब अभिमान आता है ना तो फिर बाप को बाप नहीं समझे, पिता को पिता नहीं समझे साहब, अहंकारी आदमी फिर अपने आप में ही फूकता रहता है, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मैं सबसे बड़ा हूं सर, मैं अकलबंद, मैं अकल, मैं बुद्धिजीवी, हाँ बुद्धिजीवी, जीव कीटाणु है हो जो मानता नहीं, मैं बुद्धिजीवी हूँ, बहुत बुद्धिमान हो, ये कीटाणु में बीमारी है समझो, बुद्धि का ऐसा कीटाणु लगा मैं बुद्धिमान हूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया, तेरी साधना है, पर कभी वैकुंठ में जाए तो नारायण से मत कहना, बाप हूं मैं तो माफ कर दूंगा, बेटा भले ही नालायक हो बाप नालायक माफ कर देगा, पर नारायण उनसे जाकर के ये चर्चा मत करना। पर यहां तो उछल कूद चल रही थी, खबर सुना है वहां तक भी पहुंचा है, पहुंच गए वैकुंठपति नारायण के पास। नारायण का आओ आओ बेटा, अरे नारद जी देव ऋषि जय हो आपकी, बहुत दिन बाद आए हो, हाँ महाराज, ओ आप यहाँ तक खबर नहीं आई, ऐसे हुआ कि मैं वहाँ हिमालय में गया, जगह अच्छी लगी तो हिमालय की तलेटी में जाकर के साधन भजन करने लगा, तो वो इंद्र ने वो कामदेव को भेजा, कामदेव आया सेना सहित और पैर में पड़ा, नहीं गिड़गिड़ा फिर भाग गया। अच्छा हाँ महाराज, कामदेव को जीत लिया। भगवान ने कहा अभिमान का अंकुर पैदा हुआ है और मेरे भक्त अभिमान बने, ये मुझे स्वीकार नहीं है। अरे नारद जी तुम्हारी क्या बात है, तुम तो महान ऋषि हो। नारद जी नहीं 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 सब आपकी कृपा है, ये अभिमानी बड़े ढंग से कहते हो अंदर, तो सब आपका आशीर्वाद आपकी कृपा, अपना तो कुछ नहीं है, बस ऊपर से ये कहते हो सब आपकी कृपा आपका आशीर्वाद है। नारद जी जैसे ही वैकुंठ से नीचे उतरे, भगवान ने एक विश्व एक ऐसा श्रीनगर का निर्माण किया जिसमें श्री यानी सारा ऐश्वर्य था। श्री कहते हैं ऐश्वर्य को, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, श्री कहते हैं वैभव को। अरे आज तो भोजन बहुत अच्छा, श्री जम गई आज तो श्री, इसमें तो श्री श्रेष्ठ को कहते, मतलब एक श्रेष्ठ नगर श्रीनगर बनाया, बहुत सुंदर नगर बनाया। वहां का राजा विश्वजीत और उसकी एक लड़की है विश्व मोहित, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, सारे विश्व को मोहित करने, सारा नगर सजा रहे, केले के पत्ते लगाए जा रहे हैं, मालाएं तोरण लगाए जा रहे हैं, नगर को सजाए इत्र छिड़का जा रहा है। नारद जी ने कर्मचारी से पूछा ये सब ये क्या हो रहा है, बोला हमारे जो राजा है ना उनकी लड़की का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी के मन में चलो सही राजमहल देखें, यहाँ इतना वहां राजमहल कितना सजा होगा, कितनी सुंदरता होगी, देखने जाए। तो सहज कोतु की नारद जी जो है पहुंच गए राजमहल में, और महल में जैसे ही राजा ने देखा, शील निधि नाम का जो राजा था चरण में गिर पड़ा, देव ऋषि नारद आए और नारद को देखा और संत के चरण में गिरे, उसी के यहाँ तो श्री आती है ना, लक्ष्मी आती है ना, वहां तो ईश्वरी आता है, वैभव आता है, जो साधु का सम्मान करना जानता है। चरण में गिर पड़ा और जैसे ही चरणों में गिरा, महाराज बेटी का विवाह होने वाला है, बेटी को बुलाया, विश्व मोहिनी ने प्रणाम किया, नारद जी ने देखा तो देखते ही रह गए, कुछ भविष्य फल बताओ महाराज, हाथ देखो इसका, हाथ की रेखा देखो, आजकल आजकल ये ज्यादा रिवाज है, हमारा हाथ देखो, हमारा पंचांग देखो, हमारा ज्योतिष देखो, हमारा ग्रह देखो। अरे क्या देखो साहब, अब वो ग्रह तो बेचारे अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, तू तो अपना कर्म कर। पर एक व्यक्ति में एक लालसा होती है, हमारा ये देखो, हमारा क्या होने वाला है, आगे क्या होना है,
अरे जो होना है वो हो जाएगा। भगवान को अगर ये करना तो पहले से ही मालूम पड़क देते कि आगे क्या होने वाला है, तो तू घबरा के ही मर जाता कि आगे क्या क्या मोड़ आने वाले हैं। तो इसीलिए भगवान ने भी इसके ऊपर पर्दा लगाया कि आगे आगे मत देख, थोड़ी देर बाद क्या होने वाला मत ना, तू तो अभी वर्तमान में आनंद मना, जो सामने उसमें आनंद मना, पर क्या हमारा आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला। तो उसने नारद जी से कहा कि इनके हाथ की रेखा देखो, नारद जी ने हर आदमी की आदत होती है, और कोई ज्योतिष बनना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, खाली 5-7 पॉइंट चाहिए ज्योतिषी बन जाओ, कोई बड़ी भारी बात नहीं। तुम्हारी रेखा तो बहुत बढ़िया है, अच्छी है, बड़ा खुश हो जाए ज्योतिषी का। अगर कोई भी ज्योतिषी हो, हाथ देखने वाला हो, तो बोले पंचांग देखने वाला, तो ये हो अरे तुम्हारी कुंडली तो बहुत बढ़िया है, अच्छी है, पहले खुश करेगा। हाँ आपके गुरु जी अच्छी जगह में बैठे हैं, लक्ष्मी तो बहुत आती है पर टिकती नहीं है। अब लक्ष्मी किसी की टिकी है साहब, सरकार को भी कर्जा लेना पड़ता है, बैंक को भी इधर से आ दे इधर ले, इधर ले इधर दे, लेन देन चलता रहता है। लक्ष्मी आज तक, लक्ष्मी तो आए हाँ गुरुजी हाँ, सांची को सांची को, खेत में कहीं खड़ा में कहीं घर में कहीं पाछा बीच। अब 1000 रुपये नहीं कमे, इन्हें 2000 नो खर्चो, लक्ष्मी कहीं करे बिचारी। इतने इतने आवश्यकता की पूर्ति भगवान भी करे, पर इच्छाओं की पूर्ति ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। पड़ोसी के पास तो हमारे पास भी है, उसके पास ये तो मेरे पास भी है। अरे तेरी हैसियत उसकी हैसियत तो देख, तू अपने हिसाब से चलनी। अब लक्ष्मी क्या करेगी बेचारी, कट्टा लो धन का दुश्मन, वो आया नहीं उससे पहले बर्बाद, उससे 2-4 गुना कर्जा माथे पे पोट ली है। लक्ष्मी नहीं रुके, तेरी आवश्यकताओं को कम कर, इच्छाओं को कम कर, सादगी भरा जीवन जी भाई। लक्ष्मी तो बहुत आती है पर रुकती नहीं। हाँ महाराज तुम तो सबकी भलाई करते हो, पर जिसकी भलाई करते हो तुम्हारा बुरा करते हो। हाँ महाराज सांची बात है, हर आदमी को अपना आज सजन, बाकी सब खराब है। अभी कोई भी करता हाँ मैं तो बहुत भला बाकी। और संत यूं गए कि बुरा देखन तू चला, बुरा न मिलिया कोई, अपने अंदर झांकिया, अपने अंदर झांकिया, तो मुझसा बुरा नहीं कोई। ये बुरा ये बुरा ये बुरा ये बुरा, पर एक अंगड़ी उधर जाए 3 उधर है कि तू 3 गुना बाप है, अपने अंदर तो देख। आदमी को अपनी बुराई मालूम नहीं पड़े, याद रखना अपना चेहरा दिखाई नहीं दे, अपना चेहरा तो कांच में, दूसरे का चेहरा देख ले, यो ऐसो यो ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ऐसा, अपना चेहरा देखने के लिए कांच चाहिए। हम दूसरे का चेहरा देख सकते हैं, दूसरे की बुराई देख सकते हैं, पर अपनी, और यदि आदमी अपनी बुराई देखने लग जाए तो ये जगत का कल्याण हो जाए। पर हम तो बस दूसरे को ही बुराई दो, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, तू कैसा है। अपनी बुराई को दूर कर भाई, अपनी बीमारी को दूर कर, अपने अंदर जो है उसको दूर कर दे। तेरे अंदर अगर कहीं सामने बुराई दिखे तो ये विचार करो कि कहीं ये बुराई मेरे अंदर तो नहीं है, ये कोई किसी में गलती दिखाई दे तो विचार करो कि इसमें ये तो ये मेरे में नहीं है। राजा का बेटा था गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, राजा का छोरा था। एक दिन घर से बाहर निकला, जैसे ही घर से बाहर निकला तो एक बीमार आदमी जा रहा था, ये कहाँ है, इसको अस्पताल ले जा रहा, इलाज कराएंगे। ओह तो क्या मैं भी बीमार हो सकता हूं क्या? गौतम ने विचार किया कि मैं भी बीमार हो सकता हूं क्या, ये बीमार है तो। हाँ बीमार तो कोई भी हो सकता है साहब, बीमारी किसी को छोड़े थोड़ी कि अमीर है कि गरीब है कि राजा है कि नौकर है कि ये पंडित है कि मूर्ख है, ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है, बीमारी को तो सबको आती है। तो मेरे को भी बीमारी लगी, बोलो हाँ तेरे को भी लगी, ऐसा कोई उपाय जिससे इस बीमारी से बचूं। एक दिन निकले, एक बूढ़ा जा रहा था, ये बूढ़ा है, कमर झुकी हाथ में डंडा, मुंडा हिल रहा, गलितम अंगम पलितम मुंडम दसन विहन जात तुम्नम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम।
मुंडा हिल रहा, कमर झुकी, हाथ में डंडा आ रहा है, चेहरे पे झिर्रियां पड़ रही है, जा रहा है। गौतम ने पूछा उस राजकुमार ने, ये कौन है बूढ़ा है? तो क्या ऐसा बूढ़ा मैं भी होता हूं? हाँ, सबको होना है एक दिन बूढ़ा, एक दिन बूढ़ा सबको होना है जिसने जन्म लिया है। तो बचपन जवानी और बूढ़ापा आता ही है, एक दिन तुमको भी बूढ़ा, जिससे बूढ़ापा ना आवे, जन्म मरण ना हो, जवानी बचपन ना आवे, बूढ़ापा ना आवे, सदा आनंद ही आनंद आवे, ऐसी अवस्था बोले है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। शरीर है तो इसमें तो सब आएगा, शरीर का सहारा लेकर के करोगे तो सब आएगा, इस शरीर से कुछ ऊपर उठोगे तो तुम बचपन जवानी बूढ़ापे से बच जाओगे। एक दिन निकले, एक अर्थी जा रही थी, ये क्या है? बोलो वो जो बूढ़ा देखा था ना, राम नाम सत, ये शमशान में जा रहा है, क्या मैं भी जाऊंगा? आप भी जाओगे तो इस जन्म मरण के चक्कर से बचने का कोई उपाय है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बार बार जन्म मरण का चक्कर ऐसे ही मसान में जाता रहेगा, शमशान में जाता रहेगा, तो फिर क्या करना चाहिए? और बुद्ध ने जो विचार किया कि जहाँ मरना पड़े, बीमार पड़ा, बूढ़ा होना पड़े, ये जलाएंगे लोग, ऐसी जगह नहीं, जहाँ अमरता प्राप्त हो, जहाँ अविनाशी पद प्राप्त होता हो, जहाँ सच्चिदानंद पद प्राप्त होता हो, जहाँ अमरता प्राप्त होती हो, ऐसी जगह जाऊंगा। और ढूंढते ढूंढते वो गौतम जी गए जंगल में, गया जी के गया क्षेत्र में जाकर तपस्या करी, और वही गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध बन गए। विचार करते करते बुद्ध बन गए, ये देखा कहीं ये मेरे में तो नहीं, तो किसी में अवगुण देखो तो उसके अवगुण पर विचार मत करो, किसी का अवगुण देखो तो विचार करो ये कहीं अवगुण मेरे में तो नहीं है, इसमें जो है वो मेरे में तो नहीं है। तो गौतम विचार करते 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 राजा का छोरा था, तो बुद्ध इतनी बुद्धि लगाई कि आखिर में भगवान बुद्ध बन गया, गौतम बुद्ध बुद्ध बन गया। पर हम बस दूसरे की बुराई देखे, अपनी तरफ देखे नहीं कि ये जो अवगुण उसमें है, ये अवगुण हमारे अंदर तो नहीं है। अपनी बुराइयों को छोड़ो, अपने अवगुणों को छोड़ो। तो नारद जी हाथ की रेखा देख रहे हैं, आप तो बड़े भले आदमी हो, पर जिसके साथ भलाई करते हो सब आपके साथ, हाँ हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। अब गुरु जी आखिरी पॉइंट पर आवे, क्योंकि गुरु जी का बिजनेस यहाँ चले, अभी तक तो खाली गुदगुदी करी गुदगुदी, अब कहे आठवें घर में राहु बैठा है और बारहवें घर से शनि जी नीच दृष्टि से देख रहा है, सारा समय बहुत खराब आने वाला है गुरु जी, फिर क्या करे? आओ हमारी शरण में, सवाला कराओ जब करो। अरे भैया तूज भजन कर लेनी, तूज उसका नाम स्मरण कर लेनी, भजन भाई भजले, भजन करेगा तो जीवन में आनंद पाएगा। तो कथा कहती है यहाँ जो नारद जी ने कहा, उसके हाथ की रेखा देखने लगी और कहने लगी तुम्हारी बेटी तो, अरे क्या दो चार गुण वर्णन किए और फिर कहा कि इसका जो सांप जो विवाह करेगा वो जगत का स्वामी बनेगा। हाथ की रेखा यूं कह रही थी कि जो जगत का स्वामी होगा वो इसके साथ विवाह करेगा, पर जो अहंकारी में आज जिसकी बुद्धि भ्रमित है ना वो उल्टा पड़ता है, जिसके कांच उल्टा लगे ना तो कभी कभी शब्द उल्टे दिखाई देते, अगर दर्पण इधर लगाए ना काफी इधर कर लो तो फिर उल्टे शब्द दिखाई दे दर्पण में। तो उन्होंने कहा, अब लिखा था ये कि विश्व जो सारे संसार का स्वामी होगा तो वो इसका पति होगा, पर वो कहते कि जो इसके साथ विवाह करेगा वो इसका पति। तो उन्होंने जो है कथा कही थी कि नारद जी ने विचार किया अगर इसके साथ मैं विवाह करूं तो ये मेरे साथ विवाह कर देगी तो मैं जगत का मालिक बन जाऊंगा, तो पर विवाह कैसे करेगा? ये सबसे श्रेष्ठ सुंदर पुरुष के साथ विवाह करेगी तो अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊं और भगवान नारायण से रूप मांगूं। एक काम अच्छा किया कि मैं स्वरूप मांगूं तो नारायण से, क्योंकि संत थे, भक्त थे, भगवान के उसका आधार था। पहुंच गए नारायण नारायण करते करते, और जैसे ही नारायण भगवान को, प्रभु हाँ नारद जी आओ,
क्या हुआ? अरे हाँ बोलो ना। इसने ऐसी इच्छा है कि सारी दुनिया देखो, ग्रस्त तो सारे संसार की नींव है, अगर ग्रस्त न हो तो दुनिया आज नहीं रहे, नष्ट हो जाए। तो मेरी भी इच्छा हो गई कि मैं वहाँ शील निधि राजा है श्रीनगर का, उसकी बेटी विश्वमोहिनी है, स्वयंवर हो रहा है, तो मैं विवाह करने की इच्छा मन में पैदा हुई है। पर अब वो सुंदरता चाहिए तो आपका स्वरूप उधार दो, आपका मुखोटा थोड़ी देर पूछ उठा, मुझे सुंदर बना दो। तो उन्होंने कहा, फिर कहा कि भगवान जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो वो करो, जिस प्रकार से ये काम अच्छा किया, रूप चाहिए, विवाह भी करना चाहता, पर देखो आप बाप हो मेरे, आप पिता हो, जिसमें मेरा भला हो, जिसमें मेरा कल्याण हो वो काम। ऊपर डोर वहां छोड़, भगवान ने कहा ठीक है फिर, अब तो तेरा कल्याण होगा वही करूंगा मैं, तुझे उड़न नहीं दूंगा। भले बीमार आदमी ज्यादा हो तो डॉक्टर से के कि डॉक्टर साहब एक जहर का इंजेक्शन लगा दो, जहर की पूड़ी लगा दो, मरूंगा मैं तो, तंग आ गया हूं इस परेशानी से, बीमारी से। पर डॉक्टर कहेगा कि नहीं बेटा, मेरा काम जहर लगाना थोड़ी है, जिससे तेरी बीमारी चली जाए, तेरा एक कष्ट चला जाए, आफत चली जाए, वो काम कर, वो दवा दूंगा, वो पूड़ी दूंगा। तो उन्होंने कहा कि जिसमें तुम्हारा भला होगा मैं वो स्वरूप तुम्हें प्रदान कर दूंगा। जैसे स्वयंवर में आए भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, हरी मरकट रूप, जैसे ही सभा में आए तो अब वो दूसरे को, भगवान ने देखो भगवान अपने भक्ति की रक्षा भी करेगी, इसका कहीं अपमान ना हो, तो दूसरे लोग जो भी राजा महाराजा के नारद जी दिखाई दे, सबके सामने ये रूप प्रकट नहीं किया, दूसरे को देखे तो नारद जी, और नारद जी जैसे ही तो अरे आओ महाराज आओ झट, नारद जी ने कहा इधर रुकेंगे तो नंबर आए नहीं, पहली लाइन में ही बैठ गए जाएंगे, सीधी आएगी मेरे को देखेगी, अब मेरा तो स्वरूप बहुत बढ़िया है तो विश्व मोहिनी मुझे ही माला पहनाएगी। और जैसे ही विश्व मोहिनी माला लेकर के आई और नारद जी को देखा तो शरीर मनुष्य का, चेहरा बंदर का, मुंह घेर लिया, अरे ये सब सैनिक ये सेवादार कोई पागल है, बंदर को ये बिठा दिया, बंदर वाली आकृति को, वो बिचारे दूसरे जो लाइन में राजा थे उनको भी छोड़ दिया, उनकी तरफ भी देखा, लाइन में ही अब सकून मोरद ही खरा। विश्व मोहिनी जैसे ही आई सामने ही पहली कुर्सी पे बैठा बंदर। और याद रखना, साधारण आदमी अगर विवाह करे ग्रस्त में जाए तो धर्म है, पर एक साधु, एक संत, एक सन्यासी अगर ऊपर से नीचे गिरे, पतन है, तो ये बंदर जैसा मरकट है, ऊपर डाल में से इधर से उधर कूद फांद करना, इतना बड़ा ऋषि होने के बाद, साधु होने के बाद स्वयंवर में बैठा है, लाज नहीं आए? विश्वमुनि ने देखा कि इतना बड़ा संत, इतना बड़ा साधु है, एक साधारण इंसान अगर विवाह करे तो ये धर्म है। और जो ऊंचर शिखर पे पहुंच गया और वो नीचे गिरे तो कलंक है, कलंक है। पर ये इंद्रियां बड़े बड़े विद्वान को, वो भागवत का एक श्लोक है नवे स्कंद का, वेद व्यास जी लिख रहे थे और जैमिनी ऋषि पास में खड़े थे, तो श्लोक लिखते निकले सही है गलत है बाज तो अपना चेला से कहते, तो नवा स्कंद आया, यहाँ था कि इंद्रियां नाम विद्वानम विचलित, इंद्रियां बड़े बड़े विद्वान को विचलित कर देती है। तो जैमिनी ऋषि का गुरु जी बोले क्या ये श्लोक थोड़ा गलत है, क्यों कि इंद्रियां मूर्ख को विचलित करे यहां तक तो ठीक है, पर विद्वान को विचलित करे ये, अरे विद्वान कोई विचलित हो क्या, ये दूसरा बदलो, यूं को मूर्खों को विचलित करे, संसारियों को विचलित करे, अज्ञानियों को विचलित करे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब शाम पड़ गई, अभी तो संध्या पूजा करो भगवान का, शाम होने अब कल दूसरा विचार करेंगे, नहीं श्लोक लिखेंगे। अब जैसे ही पूजा पाठ करने गए, माला फेर रहे थे, संध्या कर रहे थे, गायत्री का जप करने लगे, और उधर से एक लड़की बहुत सुंदर नवयौवना आई, पानी गिर रहा था एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, जिम आखिर में ऋषि थे साधु थे, उनको दया आई कि बिचारी ये मातृशक्ति है, स्त्री शक्ति है, ये पानी में भीग रही है, तो उन्होंने कहा देवी वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ झोंपड़ी में आ जाओ ना।
भाव शुद्ध था उनका, पवित्र था। उन्होंने कहा वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आ जाओ ना। उसने कहा आप पुरुष लोग हो और पुरुषों का कोई भरोसा नहीं, पुरुष बड़े कपटी होते हैं। तो उसने कहा मैं तो वेद व्यास का चेला जैमिनी ऋषि हूं जिनने मीमांसा वेद की रचना करी, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं। हाँ जब तो ठीक है महाराज जी, आप इतने बड़े ज्ञानी हो वेद व्यास के चेले। बोलो हाँ पूर्व मीमांसा का आचार्य हूं मैं। ओ धन्य हो। झोंपड़ी में आई, महाराज ने कहा तुम्हारा शरीर भीग रहा है, लो ये मेरा अंगोछा, आप अपना शरीर पोंछ लो, पानी में गीली हो रही हो, ठंड लग रही होगी। और वो जैसे ही बाल को पोंछने लगी, जैमिनी ऋषि देखने लगे और देखते देखते एक आकर्षण पैदा हुआ। शास्त्र में आया है कि स्त्री के चेहरे और बाल को कभी नहीं देखना, इसमें काम का आकर्षण होता है। कि बाल को और चेहरे को अगर बार बार देखोगे, बार बार देखोगे तो अजामिल जैसा एक विद्वान, चार वेद वेद का पाठी ब्राह्मण था, चार वेद कंठस्थ थे, पर एक स्त्री का मुंह देखा तो कर्म धर्म से भ्रष्ट हो गया, परिवार पत्नी पुत्र सबको छोड़ दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। आकर्षण होता है, खींचता है। देखा बार बार, जैमिनी ऋषि के मन में विचार आया किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखना पाप है, अच्छा काम नहीं है, पर विवाह करना तो धर्म है ना। अगर धार्मिक रीति रिवाज से फेरे पड़े, माँ बाप की सहमति से फेरे पड़े तो फिर तो धर्म है। वैसे दूसरी स्त्री को कुदृष्टि से देखना पाप है, पर विवाह करना पाप नहीं, विवाह तो धर्म है। तो उन्होंने कहा कि देवी मेरा एक प्रस्ताव है। देवी बोली हाँ महाराज, बोलिए क्या बात है। आपकी मर्जी हो तो अपने माँ बाप से पूछ लो, मैं भी अपने गुरु से और माँ बाप से पूछ लूंगा, तो अगर हो तुम्हारी मर्जी तो हम विवाह कर ले, शादी कर ले। उसने कहा मेरे माँ बाप ने तो आदेश दिया है, पर हमारे एक मनोती है कि सामने जो ये माता जी का मंदिर है ना अम्बा जी का, ऊंची चढ़ाई पे, माता जी का मंदिर पहाड़ी पे होता है, थोड़ी ऊंची जगह पे होता है, ऊंचे जो चढ़ाई पे पहाड़ी पे मंदिर है। बोला हाँ, तो ऐसा करे मेरी ये प्रतिज्ञा संकल्प है कि जो काड़ा मुंह करे, घोड़ा बने और पीठ पे लाद कर मंदिर तक ले जाए उसके साथ विवाह करो। जैमिनी ऋषि ने कहा शाम पड़ गई, कोई देखने वाला तो है, थोड़ी देर काला मुंह कर लो, फिर जिंदगी भर सुखी रहेंगे। अब ये विचार नहीं करे कि विवाह से पहले काला मुंडा हो रही है तो बाद में क्या दशा करेगी, अभी से घोड़ा बनाए है। पर काम आदमी की अकल गंवा देता है, वहां अकल नहीं रहती, बुद्धि नहीं रहती, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। मुंह काला यानी कि काजल लगा लिया, यानी एक साधु होकर के ऐसी गलत चेष्टा करना, मुंह काला कराना। मुसलो ने क्यों मुंडा काला कराया भाई, ढंग से चल रहे, थोड़ा तो अकल रख रहे, क्या कर गया थे? ये कलंक ही काला है। एक साधु होने के बाद में घोड़ा बना है, उसने लगाम लगाई, ने पीछे से चाबुक मारे, एक घोड़े चल बड़े, पर जो विवाह करना सीढ़ी पे चढ़े, अब गोड़े भी नहीं, हाथ भी नहीं, कहीं नीचे तो नाक में से भी छिलाए, खून निकलने लगा, पर जो विवाह करना। मंदिर के ऊपर चढ़ गए और जैसे ही वो लड़की अलग हुई, जैमिनी ऋषि बोली अब तो प्रतिज्ञा पूरी करेगी, विवाह करेगी। वहां लड़की नहीं, गुरुदेव वेदव्यास खड़े थे। बोलो इंद्रिया विद्वान को विचलित करे के मूर्ख को, इंद्रियां विद्वान को विचलित करे के मूर्ख को। जैमिनी ऋषि चरण में गिर पड़े, गुरुदेव न कोई विद्वान है, न मूर्ख है, न पंडित है, न ज्ञानी है, न अज्ञानी है, भगवान जब जिसको जैसा बना दे, कब क्या कर दे बुद्धि, किसमें सामर्थ्य है। 10,000 साल तपस्या करने के बाद भी विश्वामित्र मेनका के पीछे पागल बन जाते हैं। इतना जितेंद्र साधु जिसने राजपाट छोड़ दिया, 10,000 साल गायत्री की साधना करी, दूसरी सृष्टि बनाई, दूसरा स्वर्ग बना दिया जिसने, हरिश्चंद्र का बाप त्रिशंकु, कुछ अपराध हो गया था स्वर्ग में, देवता ने कहा हम नहीं आने दे, विश्वामित्र ने कहा मैं पहुंचाऊंगा, तो उनने जो है दूसरा स्वर्ग की रचना कर दी। ऐसा विश्वामित्र भी पराशर जैसे ऋषि जिसने दिन को रात बना दिया, कोहरा छा बना दिया, पर वो भी भटक गया। कथा कहती है वो नारद जी बैठे हैं, विश्व मोहिनी आई, सभा उधर देखा भी नहीं, आगे चली गई।
हमें छोड़ दो, सबसे ज्यादा सुंदर है और हमें छोड़ दो। इतने काम में विकल हो रहे थे, व्यग्रचित हो रहे थे, आकुलता थी। हे इधर डालो ना, आगे निकल गए। जैसे ही वहां हरि नारायण भी थोड़ा स्वरूप बदल कर आए थे, माला पहनाई, भगवान शंकर ने दो गण शांत कर दिए थे नारद जी के। नारद जब भी बहके ना, समय खराब आने वाला है, अभिमान हो गया है। कभी मौका आए तो तुम साल संभाल करना, भोलेनाथ है ना। दो गण शांत किए थे, गण ने समझाया भी सही, हंसे भी सही। पहले अपना चेहरा अरे बड़ा सुंदर है, ऐसा करा व्यंग कसा के, कदी समले तो समझ जा, नहीं समले। गण हंसने लगे, उसने कहा पहले अपना चेहरा देखो, फिर बाद में ये नौटंकी करना। सामने जल बह रहा था, नारद ने देखा बंदर का स्वरूप दिखाई दिया, क्रोध आवेश में आ गए। शिव गणों से कहा, अरे एक ब्राह्मण की हंसी करते, एक साधु की हंसी करते, जाओ तुम्हारी वृत्ति राक्षस जैसी है, तुम राक्षस बन जाओ, हमारे विचार राक्षस जैसे, हमारी हंसी मजाक करते हो, हमारी दिल्ली उड़ाते हो। आज उस नारायण से, अरे मैंने हरि रूप मांगा था और उसने ये बंदर रूप दे दिया मुझे। दौड़ते हुए नारद जी गए और थोड़े आगे चले तो नारायण देखे तो रथ में वो विष्णु मोहिनी पीछे बैठी। ओ नारद तो आग लग रही थी और मान घी डाल दिया अंदर तो बपके जैसे, आग लग रही थी, हवन जल रहा था, अग्नि एकदम अपनी तेजी प्रज्वलित हो रही थी। ने ऊपर से घी डाल दिया तो और ज्यादा भपकी। नारद जी का क्रोध आवेश और बढ़ा, उसने कहा अरे आखिर में तुम बहुत कपटी हो, तुम्हारी शुरू से आदत पड़ी है, जब समुद्र में से मंथन हुआ लक्ष्मी निकली तो आप ले गए, मैं जहर निकला तो भोलेनाथ को मिला दिया, पर वो बोले मैं बोला नहीं, पराई संपदा तुम्हें अच्छी नहीं लगती। काम में इतने व्यग्र हो रहे थे, कामी आदमी कुछ नहीं विचारता मैं क्या बोल रहा हूं, कामी और क्रोधी आदमी को बोलने का भी होश नहीं रहता है, शरीर का होश नहीं रहता है, बेहोश है वो। पराई संपदा तुम्हें देखी नहीं जाती है, तुम सदा के कपटी हो, पर आज भले घर तुमने नोता दिया है, तुम जानते नहीं मैं भी देवऋषि नारद हूं, ब्रह्मा का पुत्र हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस शरीर में अपनी स्त्री के विवाह के लिए व्याकुल हो रहा हूं, स्त्री के लिए, ऐसे एक दिन तुम्हारी स्त्री को भी, तुम मेरी इस विश्व मोहिनी को ले जा रहे हो, तुम्हारी स्त्री को कोई दूसरा ले जाएगा और तुम मेरी प्रति व्यग्र होकर के चिल्लाओगे, रोओगे और यही बंदर की आकृति वाले लोग तुम्हारी मदद करेंगे। नारद जी ने जैसे क्रोध किया, श्राप दिया, महाराज नीचे उतरे, आपका श्राप मेरे माथे पर है। और जैसे नीचे न रथ था, न विश्व मोहिनी थी, न कोई नगर था, नारद जी ने देखा चरण में गिर पड़े, भगवान इस इंद्रियों ने मुझे इतना पागल बना दिया कि मैंने अपने परमात्मा पर क्रोध किया, श्राप दिया, मैं काम के वशीभूत हो गया था। और कामात क्रोधा, काम क्रोध को जन्म देता है, मेरे अपराध को क्षमा कर दो महाराज, जिसे मेरा साप व्यर्थ हो जाए, आप तो समर्थ हो। भगवान ने कहा नहीं नारद, तुम मेरे भक्त हो और भक्त की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। नारद जो नारद कहते वो कभी रदज नहीं हुए, को कोई ना नहीं कर पाए। भगवान कहते मैं भी इसको अटल सत्य करूंगा, मुझे भी अवतार लेना है, अपने भक्तों के साथ कुछ लीलाएं करनी है, भक्तों के साथ लीला करना है, तो मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूं। लोग कहते रावण को मारने के लिए भगवान आए, अरे जो आंख खोले और बंद करे इतने में संसार बने और बिगड़े, तो एक मच्छर को मारने के लिए ऊपर से नीचे उतरना पड़े।
भगवान रावण के नहीं आए, रावण भगवान ने अवतार क्यों लिया? तो बाबा जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित, ये नहीं लिखा उनने कि रावण कुंभकर्ण मेघनाथ हित, उनके लिए आए भगवान। पर भगवान लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्न मनुजय अवतार। नारद जी के श्राप से ना, ये तो बहाना था नारद जी को, तो बिचारे को बेकाया था। बाकी निज इच्छा निर्मित तन, परमात्मा की जो इच्छा होगा वो होगा जा। और नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, नारद भगवान के विरुद्ध बोल ही नहीं सकते हैं, क्या बोलेंगे वो? अरे भक्त अपने भगवान के विरोध में बोलेगा, एक बेटा अपने बाप के विरोध में बोलेगा, कायगा बेटा वो, कायगा भक्त है वो। निज इच्छा क्यों आए हैं? निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपा, माया पति है वो, संसार का पति है वो, अपनी इच्छा से आता है, इच्छा से है। अब कोई राजा है तो वो अपनी मर्जी से आएगा, हमारी मर्जी से आएगा क्या? राजा है साहब, वो अपना मन का, वो उसकी उसकी मन होता आता है। क्यों आया? बोलो केवट के लिए आया, सबरी के लिए आया, परत के लिए आया, हनुमान के लिए आया, सुग्रीव के लिए आया, विभीषण के लिए आया, जटायु सर्वंग सुदीक्षण। कितने संत महात्मा जन्म जन्म से तपस्या कर रहे थे, कितने वर्ष बीत गए थे युग युगांतर से, भगवान ने इन सब की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अवतार लिया। न नारद के श्राप से लिया, न किसी कारण से लिया, बाकी अपने भक्त के, उनकी साधना पूरी होने को आई थी, भगवान ऊपर से नीचे उतरे, अवतार लिया। भगवान जब भी अवतार लेते हैं अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, के लिए आए भगवान। कितने कितने वचन दिए थे मनु सद्रूपा को, है ना, मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करना था उसको, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, पूर्व जन्म में तपस्या करी है उनने, उनका हित करना है, भला करना है। पहले माँ का कृतार्थ किया, पिता को कृतार्थ किया, भाई को, अयोध्या को, सारा वन प्रदेश को, अरे यहाँ तो यहाँ पर लंका में जाकर के भी अपने भक्तों को कृतार्थ किया। परमात्मा ने अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। श्राप दिया भगवान, अंतर ध्यान हुए, शिवगण चरण में गिर पड़े, महाराज हमारा तो कोई गलती नहीं थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा था, बाबा का ख्याल करना, बाबा बेग गया है, हमें तो भोलेनाथ भेजा था कि बाबा का ख्याल रखना, बेग गया है, इसका ध्यान रखना, हो ये पागल बाबा है, इसका कोई भरोसा नहीं है, हम तो शिव की आज्ञा का पालन कर रहे थे। भगवान हमें श्राप मिल गया, उसने कहा अब श्राप मिल गया है, जब भगवान ने स्वीकार कर लिया है तो अब तुम्हारा स्वीकार भी, श्राप भी इनकार नहीं किया जा सकता। तुम राक्षस बनोगे पर सारा ऐश्वर्य तुम्हारे पास रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, और आखिरी में समय में स्वयं परमात्मा ये नारायण राम बनकर आएंगे और तुम्हारे अपने निज धाम ले जाएंगे। रावण अवतार की बहुत कथा है। एक बार साकेत में भगवान बैठे हुए थे, विचार किया कुछ नर लीला करनी चाहिए, लोगों को लीला करके बताना चाहिए कि इंसान को कैसे जीवन जीना। सबसे कहा, तुम क्या बनोगे? शंकर जी बोले हम हनुमान बनेंगे, आपकी लीला में सहभागी बनेंगे। सूर्य ने कहा मैं सुग्रीव बनूंगा, ब्रह्मा जी ने कहा मैं जामवंत बनूंगा, नल विश्व ने कहा हम नल नील बनेंगे। सब ने अपना अपना पार्ट चुना। मीटिंग हुई, एक रामायण में कथा है, रामायण में आया, सब ने अपना अपना पार्ट चुन लिया। भगवान ने कहा अब सब मेरे सहयोगी तो बनोगे पर मेरा विरोधी कौन बनेगा, खलनायक कौन बने?
यश तो सब लोगे, राम के साथ हो जाओगे, पर विरोधी तो कोई चाहिए। हमारी यहां में हाँ चापलूसी करने वाले तो सब, पर पूरी रामलीला का आनंद तो तब आएगा ना, पूरी नाटक का आनंद, के एक सामने विपक्ष भी चाहिए, कौन बनेगा? किसी की हिम्मत नहीं तो राम के चौकीदार थे सिंब निशुंब। वैसे यहाँ जय विजय आता है रामायण में, भागवत में, पर एक रामायण में ऐसा आया कि सिंब निशुंब करके दो राक्षस चौकीदार थे, उनसे कहा स्वीकार है, एक राम है एक लक्ष्मण है, एक एक भरत है एक लक्ष्मण है, लक्ष्मण हटी है अपनी चलाता है, पर भरत जो आपकी मर्जी, ठीक है मैं अयोध्या में रहूंगा आपके बिना रहूंगा, पर अपना मालिक खुश हो उसी में खुश रहूंगा साहब। भक्त अपने स्वामी के साथ हट नहीं करता, जिद नहीं करता, लक्ष्मण जिद कर लेता। चौकीदार थे दरवाजे पर खड़े थे, विरोधी बनना है, खलनायक बनना है, जी सरकार आपका आदेश हम पालन करेंगे, हम विरोधी बनेंगे, रावण बनेंगे, कुंभकर्ण बनेंगे, और ऐसा विरोधी बनेगा कि जगत याद करेगा, उस राम कथा को याद करेगा, उस शत्रु को याद करेगा। विरोध भी करेंगे तो पूरी ताकत लगा के करेंगे। पर भगवान सामने नहीं आए, विरोध करेंगे पीछे से, सामने नहीं आएंगे, और जिस दिन सामने आएंगे तो फिर शरीर भी नहीं रख पाएंगे। रावण ने विरोध किया, आखिरी तक सबको भेज दिया, सबका कल्याण कराया, पर रावण नहीं आया आखिरी तक, मैं आया तो फिर आखिरी में आऊंगा सामने, नहीं तो रावण उसी समय आता तो सीता का हरण कर जाता, उनकी तो सब मिली भगत थी, और नहीं राम जी जल कर दिया, मैं तुम्हारा सामना कर नहीं पाऊंगा, तुमको देख नहीं पाऊंगा, और अगर देख लूंगा तो विरोध कर नहीं पाऊंगा, लीला में विघ्न हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपका विरोध तो करूंगा, आपका विपक्षी बनूंगा, खलनायक बनूंगा, पर जो है आपके सामने नहीं आऊंगा, और जब लीला की समाप्ति होगी तो सामने आकर आपके चरणों में शरीर छोड़, जिस दिन आपके दर्शन करूंगा, जिस दिन आपके सामने आ गया तो इस शरीर को नहीं रहूंगा। निज इच्छा निर्मित तन, सब योजना वहां से बन के आई है वो। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपा। नारद जी ने शिवगणों से कहा जाओ तुम राक्षस बनोगे, रावण कुंभकर्ण बनोगे, पर भगवान के ऐसे प्यारे हो कि भगवान स्वयं तुम्हें लेने आएंगे, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, एक संत ने आशीर्वाद दिया, श्राप भी दिया, वो संतों का श्राप भी कल्याण करने वाला है। नहीं तो जिस राम के दर्शन के लिए करोड़ों तुम्हें जन्म तक तपस्या करने पड़े, वो राम स्वयं उनके घर जा रहा है, लंका में जा रहा है, एक साधु का आशीर्वाद है, राम तेरे घर आएंगे तुझे लेने के लिए, और तुझे ले जाएंगे अपने धाम में। साकेत एक ऋषि का वरदान है, एक आशीर्वाद है, एक अनुग्रह, एक संत का साधु का आशीर्वाद दिया, और नारद जी ब्रह्मा जी के पास में गए, नारायण के पास में गए, मेरे बहुत बड़ी गलती हो गई, नारायण से कहा भगवान मैंने अभिमान किया और मैं सब इस कुचक्र में फंस गया था, आपकी माया के अधीन हो गया था, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा मैंने कुछ पाप कर दिया है, आपको उल्टा सीधा बोला, तो उन्होंने कहा जाओ और जाय शंकर सतनामा जपो, शंकर जी के नाम का जप करो, क्योंकि सब पापों को विनाश करने वाला शिव जी का नाम है, शंकर का नाम है, जप ले नमः शिवाय, भाई ये नाम ही भगवान का सब प्रकार के, तो तुम जाओ और जपो। और कथा आती है नारद जी शिव जी के नाम का जप करने लगे, ओ तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय,
जप ले नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। ये अवसर था लो जप ले नमः शिवाय। ये अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। यह दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन ये साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन ये साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। 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 तेरा पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण
रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। मस्त बने जा भक्ति सुधा रस पान किए जा। पूजन में मस्त बने जा भक्ति पान पिए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा भक्ति सुधा रस पान किए जा। पूजन में मस्त बने जा भक्ति सुधा रस पान किए। दर्शन महाकाल मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन महाकाल का पाय से जप ले नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। जपो शंकर सतनाम। भगवान ने कहा शिव के नाम का जाप करो, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। नारद जी ने जाकर के केदार खंड में हिमालय की तलहटी में शिव नाम का जप किया, तपस्या करी, फिर ब्रह्मा जी के पास आए। भगवान पिताजी ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। मैं शिव जी के उस परम तत्व के विषय में जानना चाहता हूं कि शिव क्या है, वो परम तत्व क्या है, वो ज्योति क्या है, वो प्रकाश क्या है। उसकी माया तो मैंने देख ली, शिव माया को हमने देखी है, अब शिव की माया से पार पाने का उपाय क्या है ये जानना चाहते हैं आप हमसे कहिए। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि वो शिव निष्कल और सकल, शिव के दो रूप हैं, निष्कल यानी निराकार और सकल यानी सगुण। शिव के दो रूप बताए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। देखो बेटा, शिव के निष्कल और सकल शिव पुराण में आया है कि निष्कल यानी निराकार, सकल यानी सगुण साकार। साकार रूप धारण करके उनने कुछ लीलाएं करी, कुछ निर्गुण। शिव के निराकार स्वरूप है, उनका कोई आकार ही नहीं है। शिव जो है निराकार बताएगा। जो शिव पुंडी की जो पूजा होती है ना, क्यों होती कि ना हाथ है ना पैर है ना मुख है, कुछ भी नहीं है, ये निराकार का प्रतीक। न हाथ है न पैर है न मुख है न कान है न आंखें न नाक है, कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ करता है कुछ नहीं, कुछ न होने के बाद भी सब कुछ वही करता रहता है, उसको निराकार निर्गुण ब्रह्म कहा है। और वही जब शंकर बनकर कैलाश पे स्वरूप बनाता है तो फिर सगुण साकार कहते हैं उसको। वो निराकार जब जो है, रामायण में बाबा जी ने उसका वर्णन किया है, बिनु पद चलई सुनई बिनु का ना। बिनु पद चलई सुनई बिनु का ना। बिनु पद चलई सुनई बिनु का ना। बिनु पद चलई सुनई
दम करही विधि नाना। करु बिनु करही करम विधि नाना। कर बिनु करही करम विधि नाना। कर बिनु करही करम विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय हाथ नहीं फिर भी करता है और इतना बड़ा सुंदर संसार बनाया है, क्या क्या कर दिया उसने। बिनु बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। कान नहीं फिर भी सब सुनता है। शंकर की पिंडी में कान है क्या? पर वो कीड़ी के पैर की आवाज भी सुन लेता है। कीड़ी के पैर की आवाज की भी उसको चार प्रकार की वाणी है, परा पश्चंती मध्यमा और वेखी। परा जब मूलाधार से उठती है, पश्चंती हृदय में आती है, मध्यमा गले में आती है, फिर वेखरी जो जीवान से बिखर जाती है उसको वेखरी कहते हैं। तो बिखरती तो बाद में है पर वो मूल में तुम्हारा चिंतन होता है कि अब तुम क्या बोलने वाले, वो पहले ही समझ जाता है कि अब क्या करने वाले। परावाण संसार से अलग है कथा कहती है। बिन वाणी वक्ताबड़ ज्योति, मुख नहीं है फिर भी वेद जैसा ग्रंथ दिया उसने। आनन रहित सकल रस भोगी, बड़ा विचित्र है शिव। तो निष्कल और सकल, निष्कल या निराकार है वही निराकार जब साकार बनता है तो शंकर रूप बनता है, शिव कल्याण का स्वरूप है। तो ऐसे शिव तत्व को समझना। महाराज ये शिव पूजा, ये लिंग पूजा कब से चालू हुई? कि भगवान शिव ही शिव था और कुछ था ही नहीं, निराकार था, ब्रह्म था, केवल वह चैतन्य था, बाकी कुछ नहीं था। वो भजन करने वाले करते ना, न चांद था न तो सूरज था न तारे थे, फिर कौन था? केवल वो था। ये तो फिर बाद में बने चांद ने सूरज ने तारे ने सब, केवल वो ब्रह्म था, केवल ईश्वर था, केवल चैतन्य था, केवल सच्चिदानंद था, वो ब्रह्म था। उस ब्रह्म के मन में एक चेतना हुई मैं संसार का निर्माण कर, तो उनने जो है ब्रह्म का निर्माण करूं ऐसा विचार मन में आया। तो उस निराकार ने अंडाकार था, गोल, शिवपिंडी गोल होती है। आजकल तो विज्ञान भी करते हैं कि ये सूरज गोल, चंदा गोल, तारा गोल, अरे सारा ब्रह्मांड गोल, धरती भी गोल मोड़ है। आजकल तो विज्ञान ने फोटो खींच के बताया कि ये संतरा जैसी है, मौसम्बी जैसी, गोल मोड़। शिव कैसा है? गोल मोड़, गोड़ाई तो है ना। तो
उस एक अंडाकार, हमारा शास्त्र कह रहा है ये तो हजारों साल आवे, वैज्ञानिक तो अब ढूंढ रहे हैं ऐसा करें, पर ये जो बोले शिव जो तत्व था, चैतन्य जो तत्व था, वह केवल जो है अंडाकार था, अंडे जैसे गोल अंडा होता है ऐसा आकार में था, तो उसमें एक शब्द की चोट हुई, एक प्रणव निकला, एक शब्द निकला और वह एकदम फटा। ओ शब्द निकला और उस शब्द से वो अंडा बिखरा, तो भगवान में जो रस निकला वो रस से चार हाथ वाला नारायण प्रकट हो गया, उस शिव तत्व से, उस परम तत्व से, उस अखंड तत्व से, उस सत चित्त तत्व से चार हाथ वाला, और उसने अपने मूल को जानना चाहा, उस परम तत्व शिव को जानना चाहा, तो उसके नेत्र में आंसुओं की धारा बहने लगी, शरीर से रस निकलने लगा, तो पानी पानी हो गया और वो उस पानी में ही सो गया, तो उसका नाम नार यानी पानी, अयन यानी सयन, सयन को कहते अयन, उस पानी क्षीर समुद्र में सो गया, वो पानी पानी था, बाकी कुछ था ही नहीं, जल तत्व प्रकट वाजे। फिर शब्द की चोट हुई प्रणव का, तो फिर उसमें से जो है वो नारायण प्रकट हुए, और नारायण में कुछ से जो जल रस धारा वही प्रेम की धार वही, तो पानी पानी हो गया, और हमारा इंद्रदेव की कृपा हुई कि पानी पानी हो गया ना, देखो पानी आ गया। फिर वहां उस क्षीर समुद्र में नारायण नाम क्यों पड़ा उनका, नार यानी पानी, संस्कृत में पानी को नार कहते, संस्कृत में पानी को नार कहते हैं, और जो पानी के अंदर जो सोया हुआ है अयन कर रहा है तो उसको नारायण कहा गया, नारायण प्रकट हुए। फिर भगवान शिव ने जो है अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी संकल्प की शक्ति से नारायण की नाभि में से कमल प्रकट कर दिया, नारायण की नाभि में से उस चैतन्य के मन में विचार आया कि मैं कुछ खेल करूं, एको हम बहु श्यामा, मैं कुछ एक से अनेक बनकर कुछ लीलाएं करूं, सृष्टि का निर्माण करूं, तो उन्होंने जो है नाभि में से कमल को उत्पन्न कर दिया, और कमल के अंदर जो है परम तत्व जो है वो शिव का ब्रह्मा रूप चार मुख से प्रकट हो गया, चार मुख वाला ब्रह्मा प्रकट हुआ, वैसे तो पांच मुख थे, फिर वे एक सिर काट दिया था। तो जो है वैसे कहा है पंचानन, वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं प्रकट हुआ, मेरे को प्रकट करने वाला कौन है, मेरा जन्मदाता कौन है, मेरा निर्माण करने वाला कौन है, तो ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल को पकड़ा और धीरे धीरे नीचे उतरे, तो देखे तो नारायण सोए हुए पानी के अंदर, नारायण को देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा रहे उठो वत्स, यहाँ क्यों सोए हुए, तुम्हें मालूम नहीं जगत का बाप ब्रह्मा आया है और बेटा सो रहा है, बाप खड़ा है। तो नारायण ने कहा रहे क्या बातें कर दो, मेरे नाभि में से तुम पैदा हुए, मैं तुम्हारा बाप हूं। विवाद बड़ा, ब्रह्मा जी कहे कि मैं तेरा बाप हूं, तो नारायण कहे कि मैं तेरा, तुझे प्रकट करने वाला मैं हूं, तो नारायण कहे कि तुझे प्रकट करने वाला मैं हूं, मैं तुझे प्रकट करूं, तो मैंने तेरे को प्रकट किया, तो आपस में विवाद होने लगा, एक दूसरे में, ब्रह्मा जी के मैं बड़ा हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैंने प्रकट किया, नारायण के कि मैंने प्रकट किया, तू मेरी नाभि में से प्रकट हुआ है, विवाद बढ़ने लगा, तो वाद वाद में, विवाद में, युद्ध में परिणित हो गया, आपस में युद्ध होने लगा एक दूसरे से, अरे नहीं मैं बड़ा हूं, अरे मैं बड़ा हूं, तो विवाद तर्क वितर्क होने लगा,
और जैसे ही लड़ने लगे उस समय वहां एक ज्योति प्रकट हुई, एक ज्वाला प्रकट हुई और धीरे धीरे नीचे पाताल में से आ धरती पर, धरती में से आकाश तक। दोनों ब्रह्मा और विष्णु जी डर गए, अरे ये क्या है, ये इसी भयंकर झाड़। दोनों घबराए, ये क्या, एकदम रुक गए। तो उस ज्वाला में से, उस ज्योति में से एक आवाज आई, जाओ और मेरे अंत और आदि कहाँ है उसका पता लगा कराओ। आदि कहाँ है, मध्य कहाँ है, अंत कहाँ है, जो पता लगा कर पहले आएगा वो सबसे बड़ा है। ज्योति में से एक अंतर आकाशवाणी, अंतर की आवाज आई कि आदि अंत मूल का जो है पता लगा करके आओ, और जो पता लगा कर पहले आ जाएगा वो बड़ा है, निर्णय हो जाएगा अपने आप। कोई न्यायाधीश बीच में नहीं, अपने को खुद को निर्णय करना है। अब ब्रह्मा जी ऊपर गए, ब्रह्मा जी ऊपर जाने लगे, शंकर जी नीचे आने लगे, विष्णु जी नीचे आने लगे। चलते चलते कथा पुराण, शिव पुराण में तो ऐसी कथा, ये लिंग पुराण में भी कथा है, शिव पुराण में भी है कि 5000 साल हो गए ब्रह्मा जी, और ये हमारे जैसी चाल थोड़ी थी, टपक टपक, उनकी तो मन की गति से चलने वाले थे। तो ब्रह्मा जी ऊपर गए, शंकर जी नीचे गए, और चलते चलते 5000 साल हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अब जो है 5000 साल हो गए, बेकार भटकना, अंत नहीं पाया, हार मानने में ही फले ही, हार मान लो, मन के हारे हारे मन के जीते जी, कितना ही, हाँ भैया तू बड़ा मैं छोटा, बात खत्म हो जाएगी, कब तक रगड़ा करे, 5000 साल हो गए विवाद करते करते, अब बंद करो ये नाटक, नोटक उनकी नाटक। तो भगवान विष्णु जी आए, उन्होंने कहा भगवान बहुत कोशिश करी पर इसका मूलज नहीं आया, ये कहाँ से प्रकट हुआ, 5000 साल हो गए पर इस ज्योति का पार नहीं आया। उधर से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने एक झूठ मूठ की नाटक, एक कहानी गढ़ी, एक दो पार्टनर भी बना लिए, झूठे लोग के कुछ पार्टनर भी हो जाते हो ना, गवाह भी बन जाते हैं, थोड़ा लालच प्रलोभन दिया, थोड़ा ये तेरी ऐसा हो जाएगा, हाँ हाँ बोल दिया, बोलने में क्या बिगड़े अपना, चलो ठीक है। तो केतकी नाम का पुष्प जो है उसको कहीं मिल गया, लेकर आए और कहा कि मैंने पता लगा लिया। विष्णु भगवान बोले हमें तो पता नहीं लगा, हम तो हार गए, उसका मूल का पता ही नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने लगा लिया, आखिरी छेड़े तक चला गया, हाँ जहां तक ये ज्योति का है ना आखिरी सीमा, वहां तक चला गया, समुद्र की किनारे पहुंच गया था मैं, तो वहां पहुंच गया, ब्रह्मलोक से ऊपर ऊपर तक पहुंच गया। बोलो पता लगा लिया? बोलो हाँ। क्या प्रमाण है? बोलो ये फूल रखा था माथे पे वहां ऊपर, ये फूल लेकर आया, देखो बोले से आखिरी ये प्रमाण है। फूल ने भी कहा हाँ वही था मैं, तो सर्वज्ञ थे सकल थे, कण कण में व्याप्त है शिव, समझ गए ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है, विष्णु भगवान आपने सत्य बोला है, और बड़ा कौन है जो सत्य, हाँ झूठा झूठला का भी बड़ा नहीं होता है वो, आखिरी में उसका परिणाम। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, हाँ सत्य तो सत्य सा, जो सत्य पर चलता है, हरिश्चंद्र की कथा कही जाती है, प्रहलाद की कथा कही जाती है, बलि की, राक्षस है बलि और ये तो, पर उनकी कथा क्यों, क्योंकि प्रहलाद आदि, क्योंकि वो सत्य मार्ग पर चले, सांस सत्य के बराबर। बाबा जी ने लिखा है धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य
पुराण बखाना समान कोई धर्म नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, उस ज्योति में से आवाज आई, ये विष्णु सबसे बड़ा देव है, विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है, सबसे बड़ा देव है विष्णु, और ब्रह्मा जी तुमने झूठ बोला इसलिए तुम्हें उस दंड भोगना पड़ेगा। कलयुग में विष्णु की नारायण की पूजा सर्वत्र होगी, पर तुम्हारी पूजा कहीं भी, तुम्हारा मंदिर का निर्माण नहीं होगा, विग्रह का निर्माण नहीं होगा, पूजा पाठ नहीं होगी, केतकी पुष्प से कहा तू मेरी पूजा से वंचित हो जाएगा, मेरी पूजा में नहीं लगेगा। केतकी रोने लगा, अच्छा ठीक है मेरी पूजा में तो नहीं, पर दूसरे देवताओं को तो खुश प्रसन्न भी दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे तो खुश हो जाएंगे, और मंदिर के बाहर सजावट में मेरे भी काम में आ जाना, मैं कोई इनकार नहीं, तू मेरे दरवाजे बैठ जाना, पर मेरे ऊपर मैं तुझे स्वीकार नहीं करूँगा क्योंकि तूने झूठ बोलने का अपराध किया। झूठा आदमी मेरे पास नहीं आ सकता, उस परम तत्व तक सत्य तक नहीं आ सकता है। और आज भी ब्रह्मा जी का सारी सृष्टि में एक ही, जो प्रथम जहाँ प्रकट हुए थे, जहाँ यज्ञ किया था उनने पुष्कर में, बस हाँ भले लोग अब कुछ जगह एक दो जगह जबरदस्ती में बनाए हैं, पर ब्रह्मा जी के मंदिर नारायण के हैं, दुर्गा के हैं, शिव के हैं, सब के हैं, पर ब्रह्मा का मंदिर तो सब ने कहा कि महाराज अगर ब्रह्मा का ये तो जगत के आदि कर्ता धर्ता है, जगत को बनाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है इसका मंदिर बने हैं, वो मंदिर तो नहीं बनेगा पर जहाँ भी यज्ञ हवन पूजन होगा तो पहले इसको स्थान दिया जाएगा, जब तक ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी तब तक वह यज्ञ निष्फल हो जाएगा किसी काम का नहीं, पहले ब्रह्मा की पूजा करनी पड़ेगी और उसकी पूजा के बिना यज्ञ कार्य अधूरा रहेगा, यज्ञ कार्य पूरा नहीं होगा। आशीर्वाद दिया, फिर उस ज्योति की भगवान शिव और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने पूजा करी, ज्योतिर्लिंग कहलाया। आज भी आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति पे एक दो दिन आगे पीछे लोग, जैसे हम होली जलाते हैं तो ऐसा जो है वहां लकड़ी घास कंडे आदि महीना दो दो महीना से ढेर लगाया जाता है, और फिर कपूर गाड़ी भर भर के कपूर आता है, मैं फिर सब डालकर मैं फिर रात्रि में उसको जलाया जाता है और धरती आकाश से ज्योति दिखाई दे, आज भी वहां ज्योतिर्लिंग का प्रतीक मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थान है ज्योतिर्लिंग जहां भगवान शंकर ज्योति के रूप में प्रकट हो गए, आंध्र में भी आज भी वहां उत्सव मनाया जाता है, आज भी उस ज्योति को प्रकट रात्रि के समय जिस दिन प्रकट हुए थे भगवान जी, और वो दिन था शिवरात्रि का दिन, शिवरात्रि के दिन किया जाता है, आज भी शिवरात्रि को आंध्र प्रदेश में उस ज्योति को प्रकट, और उसको देखने में बड़ा भारी मेला लगा, दूर दूर से लोग देखने आते हैं ज्योतिर्लिंग को, वो ब्रह्मा और विष्णु का जो प्रतीक जो शिवलिंग की, पहली बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने पूजा की, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जो है उनकी पूजा करी, और फिर सभी देवताओं को प्रकट ब्रह्मा जी ने कहा तुम करो, शंकर जी ने कहा मैं भी स्वयं जो निराकार हूँ सगुण साकार बनकर कैलाश पे आऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा अपनी इच्छा से, और शंकर बनकर तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे साथ में
मैं भी साकार सगुण रूप धारण करूंगा। मेरा परम तत्व जो निराकार है वह तो रहेगा, पर मैं सगुण बनकर तुम्हारे तीनों के साथ, और जो मेरे में जो पावर है शक्ति है वो सभी पावर तुम्हारे भी को बराबर पावर देता हूँ। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे भी मेरे पूजा का फल मिल जाएगा, हमारे और तुम्हारे में कोई भेद नहीं रहेगा। भगवान ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने पूजा करी, फिर देवताओं को प्रकट किया, अलग अलग देवताओं का निर्माण किया और सबको अलग अलग शिवलिंग दिए गए। ले तू इस लिंग की पूजा करना, तू इस शिवलिंग की पूजा करना, तू अनेक अनेक प्रकार के हीरा का शिवलिंग, मुक्ता का, मोती का, माणिक का, सोने का, चांदी का, अष्टधातु का, पारद का शिवलिंग अनेक प्रकार के हैं। अनेक माणक मोतियों से बनाए थे। कुछ गरीब लोग थे, महाराज हम ऐसे माणक मोती कहाँ से लाएंगे, हीरे मोती कहाँ से लाएंगे, ये तो बड़े बड़े लोग हैं। बोले गोबर का बना लेना तो भी चलेगा, मिट्टी का बना लेना तो भी चलेगा, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं, रुपया नहीं, धातु नहीं, तांबा पित्तल नहीं, कोई पाषाण नहीं, फिक्र मत करो, तुम्हारे पत्थर की खदान नहीं है, तो तुम एक काम करना, अगर मिट्टी का बना लोगे, पार्थिव पूजा करोगे, तो मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। तुम गोबर का बना लेना मेरी पूजा का, पानी में साधु संत शिवलिंग के अर्ध स्थावर और जंगम। स्थावर कहते हैं ये झाड़ वृक्ष है, ये शिवलिंग बताए शिवपुराण में लिखा है, प्रथम संहिता में इसकी सात संहिता है, तो उसमें लिखा है कि जितने भी झाड़ है, अगर झाड़ में शिव जी का नाम लेकर पानी किसी झाड़ में चढ़ा दिया तो शिव को प्राप्त होगा, तुम शिव भक्ति को प्राप्त हो जाओगे। स्थावर लिंग जंगम यानी कीड़े मकोड़े हैं, जो जानवर है, पशु पक्षी है, अगर उनको तुमने पानी दे दिया, पानी पिला दिया, तो तुम्हें शिव जल चढ़ाने का फल प्राप्त होगा। शिव पुराण में लिखा हुआ है, हमारे पास कुछ नहीं है ना, झाड़ तो है नहीं, झाड़ में पानी डालो, पानी पिला दो झाड़ को, वृक्षों को, पीपल आदि वृक्ष जो है, बेलपत्र आदि, इनकी आगे महिमा कही जाएगी, अभी तो अभी निर्माण होगा इनका सबका। जल जल शिवलिंग है, अष्टमूर्ति में जल शिव है, आकाश है, धरती शिवलिंग है, धरती को शिव मान लो, धरती पे पानी चढ़ा दो, शिव का नाम, शिवलिंग पे पानी चढ़ गया, आकाश आकाश को स्वरूप दिया, जल चढ़ा दिया, जल चढ़ गया। हवा को मान लो, वायुलिंग है, महाबलेश्वर में, दक्षिण भारत में महाबलेश्वर, जिसको गोकर्ण तीर्थ कहते हैं, गोकर्ण तीर्थ कहते हैं, महाबलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वायु तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, जल का शिवलिंग बना लो, वायु का शिवलिंग बना लो, अग्नि का, तेज का शिवलिंग, भगवान सूर्य का जो प्रकाश है उसको शिवलिंग मान लो, शिव है वो, शिव कण कण में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, शिव तत्व सब जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है शिव नहीं है, सर्वत्र शिव है, जहां देखो, गोपियां की भाषा में कहो कि जहां देखो तित श्याममयी, जहां भी देखें वहां में श्याम दिखाई देता है, शिव भक्त कहता हम जहां भी देखें वहां शिव ही शिव शिव दिखाई देता है, शिव दिखाई देता है, राम भक्त कहता श्री राममयी सब जग जानी, हमें तो जहां देखे वहां राम दिखाई देता है, तो ऐसी कोई सी जगह नहीं है स्थावर यानी वृक्ष में, जंगम, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी में, लिंग बताए, ये सब लिंग है, यजमान मूर्ति, यजमान जो पूजा करने वाला शिव तत्व है वो भी शिव है, और ब्राह्मण मूर्ति आचार्य जो पूजा कराने वाला वो भी शिव तत्व है, शिव पुराण में कहा गया वो भी शिव का तत्व, उसे भी शिव मान करके, शिव की कथा है, हर जगह शिव व्याप्त है, ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां भगवान शिव न हो। ऐसे शिव ने अपने शिवलिंग को वितरित किया, तब से भगवान शिवलिंग की पूजा हुई। शिवलिंग निराकार पूजा है, और जो है मूर्ति की जो भगवान शिव पार्वती है ये साकार पूजा है, निष्कल और सकल, सकल यानी सगुण साकार, निष्कल यानी निराकार, निराकार ब्रह्म की पूजा शिवलिंग में है, जो पिंडी है वो प्रकृति है, धरती माँ है, सारा ब्रह्मांड है, और उसमें जो है वो चैतन्य तत्व है, वो पिंडाकार जो है उसको शिव तत्व कहा गया है, जो पिंड है गोलाकार है, जो शिवलिंग है उसको जो है वो परमात्मा का परिचायक है, और जो स्थल पिंडी बनी हुई है उसको प्रकृति का प्रतीक है, ये धरती है, ये सारी प्रकृति बनी हुई है, ये प्रकृति का, प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति और परमात्मा दोनों मिलकर संसार का निर्माण करते हैं, प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति ये ब्रह्मांड है जो हम देख रहे हैं, परमात्मा है ना, ईश्वर है, वो चैतन्य है, तो जो शिवलिंग है वो चैतन्य स्वरूप है, और जो पिंड शिवपिंडी जो
स्थली है, पीठी है उसकी, उसको जो है प्रकृति कहा गया है, मूलाधार है, जिसके मूल पर वो चैतन्य टिका हुआ है और ये सारा संसार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। कथा कहती है शिव और परम शक्ति वो परम तत्व हर जगह व्याप्त होकर अपनी लीलाएं कर रहा है, संसार का निर्माण हो रहा है और तब से जो है भगवान शिव की पूजा प्रचलित हुई, सब शिव शिवलिंग पूजन करने लगा। पहले कोई आकृति नहीं थी, कोई आकार नहीं था, बस कुछ गोल मोल बना लेते। अभी शनि महाराज जाओ त्रिवेणी, सूर्य मंदिर है, चंद्रमा का है, गुरु का है, बृहस्पति, आओ ये मूर्ति बिठा देनी तुम्हारा, सब शिवलिंग है, शिवी ब्रह्मा, शिवी शनि, शिवी राहु, शिवी केतु, शिवी गुरु, शिवी सूर्य, शिवी चंद्र, शिव ही सब कुछ है, क्योंकि शिव से ही सब बना है। मटेरियल मिट्टी से घड़ा बना है, उसमें सब घड़ा में मिट्टी ही मिट्टी है, वो मिट्टी घड़ा नहीं था तो भी मिट्टी थी, घड़ा है तो भी मिट्टी है, न अगर घड़ा फूट जाए तो भी बीच में आकार है। तो भगवान ने जब जहां जैसी जरवत्री आकार धारण किया, ये प्रकृति उसका परमात्मा का परम आकार है, शिव का आकार है, बाकी वो परम शिव तत्व है, जहां भी है उसकी लीलाएं चल रही है, उसने कुछ आकार धारण कर लिया है। कथा कहती है ऐसी भगवान शिव की पूजा जगत में प्रथम चालू हुई, ब्रह्मा जी ने पूजा करी, फिर कहा इस सृष्टि का आगे तुम निर्माण करो, इस दुनिया को बनाओ। तो ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने लगे, पर सृष्टि बनाए तो आगे बढ़े ही नहीं, जहां की जहां। तो भगवान शिव ने अपने शरीर को दो, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भाग में विभक्त कर दिया, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर में से दो मूर्ति बनाई, विपरीत लिंग, एक पुरुष एक स्त्री। ये ब्रह्मा जी की पहली मानवीय सृष्टि थी, आदि पुरुष है, इससे पहले कोई पुरुष नहीं था। तो मनु और शत्रुपा उनका नाम हुआ, जो स्वयं प्रकट हुए थे, स्वयंभू मनु मनुष्य रूप में आए थे, और स्त्री का नाम शत्रुपा था। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो और मेरे इस चलाए हुए कार्य को आगे बढ़ाओ, जो ब्रह्मा का कार्य है उसको आगे बढ़ाओ। तो मनु और शत्रुपा के यहाँ तीन पुत्रियां और दो पुत्र हुए, स्वयंभू मनु शत्रुपा पते द्वय पुत्रं त्रय कन्या आकृतिं देहूतिं प्रसूतिश्चः। तीन बेटी आकृति, देहूति और प्रसूति, दो बेटे हुए। प्रियव्रतस्य उत्तान पादो तस्य वंश विस्तृतम संतति, उनकी संतान से संसार का विस्तार हुआ। ये दुनिया प्रियव्रत ऐसा प्रतापी राजा था कि उन्हें कहा आधा ये सूर्य ने, फिर आधी रात हुई तो ठीक नहीं है, तो सूर्य जैसा एक चमकीला रथ बनाया और वो सूर्य की परिक, सूर्य इधर जाए तो रथ लेकर इधर जाए, सूर्य इधर जाए तो इधर लेकर जाए, 24 घंटा उजवाड़ा जो उजवाड़ा, रात पड़े ही नहीं। अब लोग 24 घंटा काम करे बंद हो ही नहीं, क्योंकि तो अपन तो इतने बस समय मिलना चाहिए, तो दिन ने रात काम करे तो थकने लगे, अब शरीर कमजोर पड़ने लगा, शरीर कमजोर पड़ने लगा, शरीर काम नहीं करे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये जो विधान बनाया ना संविधान, उसमें गड़बड़ नहीं करना, अरे अगर उनको दिन बनाना था ये रात बनाते ही नहीं, भाई आराम करने के शरीर को आराम भी तो चाहिए ही चाहिए, 24 घंटे हड़ में जूते रहो जूते रहो, खाना पीना आराम करना सबका समय बनाया, मर्यादा में रहना है। तो उन्हें वो तो उनके समुद्र व्रत के पहिए से सात समुद्र, सात धरती, सात खंड बने, जिनके कौंच दीप, लक्ष दीप, जम्बू दीप, ऐसे सालमली दीप, अलग अलग नाम हुए, अलग अलग पुत्रों को अलग अलग खंड का राज्य बनाया गया। जो छोटे भाई उत्तानपाद थे उनकी कथा सबको, उनकी दो पत्नी थी सुनीति और सुरुचि, दोनों को एक एक बेटा था, सुनीति का एक बेटा था जिसका नाम ध्रुव था, सुरुचि का जो पुत्र था उसका नाम उत्तम था। छोटी माँ ने एक दिन ललकार दिया, वो चला गया और ध्रुव जी को नारद जैसा संत मिल गया। जब कोई अच्छे आदमी का ध्रुव जी रोता हुआ अपनी माँ के पास गया तो माँ ने कहा बेटा
जो दौलत मैंने दे पाई वो तेरी छोटी माँ ने दिया है, क्योंकि मैं तेरी माँ होने के बाद भी बाप की गोद में नहीं बिठा सकी, और तेरी सोके तेली माँ होने के बाद भी तुझे परमात्मा का रास्ता दिखाया, वो तो महान है। रोए मत, अरे उसका तो एहसान मानना चाहिए भाई। ध्रुव ने जिन जंगल में वो अनेक प्रकार के सिद्धियां प्रकट हुई, पुराण में कथा आई, पर उनने सब सिद्धियों को इनकार कर दिया। और जब फिर आखिरी में परमात्मा प्रकट हुए, ध्रुव पद दिया, और वही ध्रुव जब हरिद्वार में तपस्या करके जाने लगे, विष्णु दूत लेने आए विमान लेकर, चलो आप हमारे साथ पधारो। गुरु जी ने कहा मेरी गंगा माँ में स्नान कर लो, क्योंकि यहां मैंने तपस्या करी है। जैसे स्नान करने गए तो गंगा जी थोड़ी उदास हो गई। माँ उदास? हाँ बेटा, आज मेरा बेटा मेरे से बिछड़ रहा है ना, तो मुझे दुख हो रहा है, इसलिए उदास हो गई हूं। तो ध्रुव जी ने कहा कि तेरे अंदर तो हजारों लोग स्नान करते हैं, हर हर गंगे जय जय गंगे स्नान हो रहा है, अगर एक चला भी जाऊं तो कोई कमी थोड़ी हो। गंगा माने का बेटा, ये हजार नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है, भले सब भाग जाए, पर तेरे से मुझे भी स्वार्थ है। क्यों? क्योंकि भागीरथ राजा जब धरती पर लाया नहीं, तो वहां मैंने भगवान से कहा था, भगवान जी मैं धरती पर जा रही हूँ तो वहां पापी लोग स्नान करेंगे, पाप छोड़ जाएंगे, तो मैं तो पापणी हो जाऊंगी सबका पाप धोते धोते, मेरा क्या होगा। तो भगवान ने कहा था, गंगा तू धरती पर जाकर सबका पाप धोएगी, पर मेरा कोई परम भक्त वैष्णव आकर तेरे में स्नान करेगा तो तेरे पाप को भी धो जाएगा। गंगा कहती कि दुनिया के लोग पाप धोने आते हैं, और तेरा जैसा भक्त आ जाता है तो गंगा को भी पावन बनाकर चला जाता है। हम भी चाहते हैं कि कोई भक्त आवे, कोई भगवान का दुलारा, कोई प्यारा आवे। तो जा बेटा, ऐसे विमान पर आए तो मौत आई, माथा नवाया महाराज, मौत के बिना कोई नहीं गया। आज संसार का नियम है, मौत ने ये भजन की शक्ति है साहब, भजन की ताकत है कि मौत के बिना कोई नहीं गया तो माथा नवाया। और जैसे कि पंक्तियां पे पैर रखे नहीं, ऐसे मौत के सिर मृत्युन मूर्धनाम पदम दत्वा, मौत के माथे पर पैर रखकर, जैसे कोई पंक्तियां पे सीढ़ी पर पैर रखे ने ऊपर चढ़े, ऐसे मौत के माथे पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान में सवार हुआ। विमान जाने लगा, ध्रुव जी नीचे देख, विष्णु दूत ने कहा क्या देख रहे हो, अरे नीचे क्यों देखो, ऊपर देखो ना, वो अपना वहां चलना है। ध्रुव ने कहा उस मां को देख रहा हूं जिसने अपनी कोख में रखकर मुझे जन्म दिया, ऐसे संस्कार दिए, ऐसे भजन भक्ति सिखाई, जो आज स्वयं विष्णु के दूत मुझे लेने आए। अगर ये मां शिक्षा दीक्षा नहीं देती तो आज, और किसी ने कहा है ना कि हजार मास्टर से बढ़कर मां है। मां ने जो संस्कार दिए, जो शिक्षा दीक्षा दी कि आज मैं यहां तक आ रहा हूं, विमान में बैठकर जा रहा हूं, मौत भी माथा नवा रही मेरे सामने, उस मां को देख रहा हूं। तो विष्णु के दूत ने कहा नीचे नहीं ऊपर देखो, जिसका बेटा ध्रुव हो उसकी मां नीचे नहीं ऊपर विमान जा रही है, आगे आगे विमान जा रहा, तुम्हारी मां सुनी थी बैठी हुई है, जिसका बालक ध्रुव उसकी मां नीचे रह सकती है क्या। अरे ध्रुव जिसका भक्त बालक जिसका हो, माँ आगे देखे भी मान जा रहा ना, तुम्हारी माँ बैठी हुई वो सुनी थी मैया। ध्रुव बड़ा प्रसन्न हुआ, और जैसे अग्नि को अग्नि लोग दिया, चंद्र को चंद्र लोग दिया, इंद्र को इंद्र लोग दिया, नागों को नाग लोग दिया, ऐसा ध्रुव को ध्रुव लोग दे दिया। जा मेरी कथा के साथ तेरी कथा होगी, मेरे कीर्तन के साथ तेरा कीर्तन होगा, लोग कोई भी शुभ काम हो तेरा दर्शन करेंगे, तेरा दर्शन मेरे दर्शन का फल प्राप्त कराएगा। कथा कहती है फिर ब्रह्मा जी ने आगे कामदेव को प्रकट किया,
काम को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, और फिर उनके शरीर की छाया से एक स्त्री प्रकट हुई। वो इतनी सौंदर्यशाली थी, स्वरूप था उसका, सब देखते ही रह गए। तो कामदेव ने कहा कि पिताजी ने मुझे प्रकट किया है, तो पहला परीक्षण पिता पे ही करूं। काम ने अपना बाण चलाया, अपना प्रयोग किया, तो ब्रह्मा जी जो है उस जो लड़की उत्पन्न हुई थी उसे देखकर कामासक्त हो गए। उसे देख करके उनके अंदर काम जागने लगा, उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे, वो दूर दूर भागने लगी। दूसरे उसके जो भाई थे उनमें भी काम प्रकट हो गया। तो कथा ऐसा कहती, उस समय भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से, जो ब्रह्मा जी के पांच मुख थे, एक सिर का भैरव रूप प्रकट हुआ, जिसको हम भैरव कहते, काल भैरव कहते, ये वहां प्रकट हुए। तो वहां भगवान शंकर ने अपने अंश से भैरव का रूप बनाया और अपने त्रिशूल से जो है वो ब्रह्मा जी का ऊपर जो सिर था एक सिर काट दिया। सबने प्रार्थना की, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो। और वो जैसे ही सिर उनने काटा तो वो जो कपाल था माथा जो है उनके हाथ पे चिपक गया, वो अलग नहीं हो। सबने कहा ये आपको ब्रह्मत्या का दोष लग गया है, आपने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, तुमने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हो तो गया, क्या करो, जाओ सब तीर्थों में भ्रमण कर दो, और जिस तीर्थ में जाकर ये कपाल छूट जाए समझो वो सबसे बड़ा तीर्थ है। सब तीर्थों में घूमने लगे, घूमते घूमते विष्णु पुराण में बद्रीनारायण और शिव पुराण में कहा है कि काशी में आए, गंगा स्नान किया, आज भी वहाँ कपाल तीर्थ है काशी में। जैसे वो कपाल छूट गया, आज भी काल भैरव की काशी में स्थापना है, कि वहाँ स्थापना हुई, सब लोग ने पूजा की, आप तुम पूजन के योग्य हो गए हो, तुम्हारा जो दोष था उस दोष की निवृत्ति हो गई है, वहाँ पूजा हुई, इस नगरी के तुम सदा कोतवार बन कर रहोगे। वही जो जो बालिका जो उत्पन्न हुई थी, वह उसने कहा वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में जाकर के अंदर कूद पड़ी, दौड़ती दौड़ती गई तो उस यज्ञ कुंड में जो है अंदर गिर पड़ी, और उसी में से फिर जो है आहुति देने लगे, तो एक बहुत सुंदर कन्या फिर प्रकट हुई, उसका नाम अरुंधति हुई। मैधातिथि नाम के ऋषि थे वहाँ यज्ञ में जो है वो अरुंधति, फिर उन्होंने अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी महाराज के साथ किया। बड़ी विस्तृत कथा है इसे पुराण में। अरुंधति जी का जो आज भी सप्त ऋषि, पहली स्त्री सती नारी है साहब, जो स्त्री होने के बाद भी ऋषि पद प्राप्त किया, आज भी सप्त ऋषि की लाइन में अरुंधति तारा चमकता है, एक छोटा सा तारा चमक बिंदु चमक रही है, स्त्री जाति की शान गौरव को मानो बखान कर रही है अपनी तपस्या के बल से। आहा, और क्यों न हो, वशिष्ठ जो जगत के गुरु, राम जो जगत के ब्रह्म है, पिता है, उनके गुरु होने का सौभाग्य, और अरुंधति जी को राम जी का गुरु माता बनने का सौभाग्य है, उनकी गुरु माता बनी है वो। आज भी सप्तऋषि के सात तारों के बीच में सदा वशिष्ठ के साथ अखंड निवास कर लिया उसने, आज भी आकाश में विराजमान अरुंधति। तो अरुंधति के रूप में जो है वही जो संध्या थी, तो वो अरुंधति के रूप में प्रकट हुई और वहां आकाश में विराजमान है आज तक। उनका जो छाया नीचे पड़ी थी उसकी प्रातः संध्या और सायं संध्या, आज भी सूर्य की कांति थोड़ी मलिन रहती है, एक भाग का प्रातः संध्या नाम हुआ, दूसरे भाग का सायं संध्या, सायंकाल की संध्या, जब सूर्य अस्त होने जाता है एकदम पीली कांति छा जाती, लाल हो जाता है, सुबह भी लालिमा छा जाती, ये उसी का सौंदर्य है, उसका जो सौंदर्य की छाया पड़ी थी, तो उसी से प्रातः संध्या सायं संध्या इन दोनों संध्याओं का निर्माण हुआ। फिर अपने काम को वशीभूत करने के लिए एक नियम बनाया गया कि संध्या काल में काम प्रवेश करता है, इसलिए संध्या काल में दुनिया के व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की काम को छोड़कर केवल उस समय भजन पूजन व्यक्ति को करना चाहिए। सायंकाल में, प्रातः काल में, प्रातः काल उठो सूर्य की संध्या, जब संध्या काल हो तो उस समय मनुष्य को चाहिए कि नहा धोकर के भगवान का भजन करे, पूजन करे, संध्या वंदन करे, अपने गुरु मंत्र इष्ट मंत्र का जाप करे प्रातः काल उठ करके, और सायंकाल में
हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म क्यों हुआ? तो भागवत में ऐसा लिखा है कि कश्यप जी ने अपना वो पूजा पाठ कर रहे थे, शाम का समय था, दीति जी आई तो मर्यादा तोड़ी, उनको गर्भाधान हुआ, तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की उत्पत्ति हो गई। मर्यादा टूटती है तो उस समय काम नहीं, राम की सेवा करना चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए, भगवान को दीपक लगाओ, तुलसी को दीपक लगाओ, पवित्रता से भगवान का सेवन चिंतन मनन करना चाहिए। कथा कहती है संध्या काल में भगवान का भजन पूजन करने से अनेक गुना फल प्राप्त होता है। तो ऐसे जो है प्रातः काल संध्या, सायंकाल की संध्या, दो रूप में वो विभक्त हो गई। और संध्या काल आए, सूर्य की लालिमा आए, उससे पहले शास्त्र में कहा है कि बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। प्रातः काल में आरोग्यात भास्कराता, आरोग्य को देने वाला भगवान सूर्य है। भगवान सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करते हैं और मनुष्यों को चाहिए कि सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय नींद नहीं निकालना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। उस समय जो सोता है, क्योंकि हमारे घर कोई मेहमान आवे तो हम उठकर उसका स्वागत कर, आइए भाई, स्वागत है, स्वागत है, पधारो, उठकर सम्मान करते हैं। तो एक साधारण इंसान हमारे घर आवे तो उठकर हम सम्मान करें, न जगत का बाप हमारे दरवाजे आए और हम बिस्तर पे पड़े रहे। तो प्रातः काल में सूर्योदय से पहले ही बिस्तर को छोड़ करके बन सके तो स्नान करो, नहीं तो पानी के छींटे डाल लो, धरती माँ को प्रणाम करो। समुद्र वसने पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी पाद क्षमस्व स्पर्श क्षमस्व जगन्न मातेश्वरी। हे विष्णु की पत्नी, जो समुद्र ही तेरे वस्त्र हैं, पर्वत तेरे स्तन हैं, हम तुम्हारे ऊपर पैर रख रहे हैं, हमें क्षमा करो माँ, प्रणाम करे भगवान, स्नान करके भगवान सूर्य को नमस्कार करे। प्रणाम करना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है, भगवान को नमस्कार करना, प्रणाम करना। भागवत का तो पहला श्लोक है श्री कृष्णम वयम नमः, हम कृष्ण को नमन करते हैं। नमन करना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी भक्ति है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। सभी प्रकार के दुख को नमन, विनाश केवल नमन करने से हो जाता है, प्रणाम करने से होता है। ये कल कहेंगे कथा में याद आई तो, मृकंड ऋषि मार्कंड ऋषि, जिसने केवल नमन किया और नमन करते करते सात प्रलय सब प्रलय देख लिए, अमर हो गए, जिनकी अल्पायु खाली 16 साल की उम्र थी, शिव पुराण में कथा आई है। यहाँ जो नमन में बहुत बड़ी ताकत है, नमो, भागवत कहती है नम जाओ। देखो आम के पत्ते पूजा में लाते हैं, कलश पे रखते हैं, आम की पूजा होती है, क्यों? क्योंकि आम की आदत है कि जब डाली पे फल आवे तो डाली नीचे झुके, तो जो झुकना जानता है ना, जो झुके नम जाए उसकी पूजा होती है, जो नम जाए तो उसकी पूजा हो गई, आम के पत्ते की पूजा हो गई। मैं खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। बेचारा कोई धूप में आए, चलो बैठूंगा तो, नहीं तो छाया ढंग से, ने फल घाने जाए तो थोड़ा गच्चे वहां चढ़ाए से, तो हालत क्या हुई? कभी देखा पहला गोपटा लाता टाप लिया, कुटी कुटी ने छिलका छिलका ला, फिर रस्सी बनाते, खुद कुटाया ने, खुद भी खूंटे से बांधा और जिसने संगति करी उसको भी बांध दिया। अगर दुर्जन का साथ करोगे नहीं तो खुद भी बंधोगे ना, जो संगति करने वाले। और इसीलिए संतों ने कहा है कि बने तो सत्संग करो, नहीं तो दुष्टों के संग से बच जाओगे तो भी भला हो जाएगा। पापी लोगों की संगति से बच गए नहीं तो भी बहुत बड़ा भला हो जाएगा, कुसंग से बच गए तो भी बहुत बड़ा भला हो जाएगा। खुद कुटाया दूसरे को भी, खुद बांधा दूसरे को भी बांधा। तो कथा कहती नमना सीखो, नमो। अभी बरसात काल है, खाड़ में नाले में डूंगड़ा होए, कितनी भी बरसात, नदी में डूंगड़ा होए, कितनी बरसात हो जाए वो झुक जाए, बरसात का पानी निकले फिर खड़ा हो जाए,
बीच धार में ऐसा का ऐसा खड़ा, मैं जो झुकना नहीं जाननी करड़ा पे बड़ा बड़ा चढ़ हमें तो खड़ी जाए, क्योंकि नमना जमना नहीं जाने वो, नमे न दमे कुछ नहीं, नमस्कार झुकना ही नहीं जाने। कथा कहती है कि थोड़ा झुकना सीखो, थोड़ा वंदन करना सीखो, थोड़ा प्रणाम करना सीखो। यहाँ जो है रावण नहीं झुका तो क्या हुआ, हजार नाती पोती में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, न विभीषण झुक गया तो जो नजर उठा के नहीं देखता था वो लंका का राजा बन गया, बाली नहीं झुका, हालत क्या हुई, न सुग्रीव झुक गया तो वो राम जी के चरण झुका, हिरण्यकश्यपु नहीं झुका, ने प्रहलाद नहीं तो 5 साल के छोरे की क्या हिम्मत के वहां हिरण्यकश्यपु के राज सिंहासन पर बैठ गया। थोड़ा झुकना, और ये भगवान सूर्य झुकना, इसलिए सूर्य नमस्कार शास्त्र में सिद्धांत आता है। आजकल तो लग रहा है भगवान नमस्कार करो, 11 प्रणाम सूर्य को करो, क्योंकि भगवान संग को कुछ नहीं चाहिए, वो कहते कोई हमें धन दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए, खाली हाथ जोड़ लो, शास्त्र में लिखा है नमस्कार प्रिय भानु, नमस्कार प्रिय भानु, नमस्कार प्रिय भानु, नमस्कार प्रिय भानु, जलधारा प्रियो शिव, जलधारा प्रियो शिव, जलधारा प्रियो शिव, जलधारा प्रियो शिव, अलंकार प्रिय कृष्ण, अलंकार प्रिय कृष्ण, अलंकार प्रिय कृष्ण, अलंकार प्रिय कृष्ण, ब्राह्मण प्रिय मोदक, ब्राह्मण प्रिय मोदक, ब्राह्मण प्रिय मोदक, ब्राह्मण प्रिय मोदक। भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय, शंकर जी को खाली पानी, ऐसा सस्ता देवता कहाँ ढूंढ के लाओगे साहब, खाली पानी चढ़ा दिया बस घुस। जलधारा प्रियो शिव, नमस्कार प्रिय भानु, जलधारा प्रिय कृष्ण, अलंकारो प्रिय कृष्ण, हमारे कृष्ण को सुंदरता पर सौंदर्य अलंकार। कृष्ण के मंदिर में जाओ 5-5 दर्शन, कभी नाथ जी में जाओ द्वारका, अभी ग्वाल दर्शन, मंगला दर्शन, श्रृंगार दर्शन, राज दर्शन, भोग दर्शन, ना दर्शन है दर्शन, ये भी रूप बनाए वेरे निकला, फिर दूसरा श्रृंगार बनाए, फिर वो श्रृंगार बनाए, अलग अलग श्रृंगार। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन की गंदगी को मिटा दो और इस मन को श्रृंगारित कर दो, सुंदर बनाओ, असुंदर मन को, कलुषित को, कलंक को, जो गंदगी भरी हुई है तुम्हारे अंदर, उस गंदगी को निकाल दो, सुंदर बगीचा जैसा पावन बना लो मन को, तो तुम पवित्र बन जाओगे। और ब्राह्मण को खाली जिमणा प्रिय, मड़ी गया तो बस आनंद है, जिम्मा ने मड़ी गया और कहीं चाहिए है, सब कुछ मिल गया। कथा कहती है ऐसे भगवान को हम नमन करते हुए कथा को विराम की तरह, कल समय पर 11 बजे पुनः कथा प्रारंभ होगी, हम आगे की कथा देखेंगे। समय की मर्यादा कह रही है कि 2:15 बजने आए हैं, तो यहाँ जो है हम आज की कथा को विराम देते हुए कल फिर समय आगे भी जो भी कथा होगी देखेंगे, दर्शन करेंगे। आज का सीताराम, जय जय।